अनंत ब्रह्मांड में भगवान द्वारा बनाई ये अद्भुत सृष्टि, ये पृथ्वी और इस महान पृथ्वी पर महान कहलाने वाला अपना भारत देश प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम नमूना है। इस देश की सुंदर प्रकृति में लहराते हरे खेतों के बीच, ताजी हवाओं के बहने और गोदावरी की कलकल में उसकी लहरों के बहने की आवाज के साथ इस वेंकटपुरम गांव की सुबह होती है। बहुत भोले भाले हैं इस गांव के लोग और ये है वेंकटपुरम का रेलवे स्टेशन। अगले 5 मिनट में यहाँ ट्रेन आने वाली है जिसकी सूचना घंटी बजा के दी जा रही है। इस ट्रेन में एक इंसान को बैठाने के लिए पूरा गांव पैदल चला रहा है। वो अनेक उपलब्धियां हासिल कर चुका है, एक योद्धा है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने वाला एक महापुरुष, नाम वीर भानु। उसके गांव वाले अपने दोनों हाथ फैलाकर निर्भय होकर अगर चैन की नींद सो सकेंगे तो वो केवल वीर भानु द्वारा ही संभव है। इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर लोगों के लिए गांव छोड़कर जा रहे हैं। इनके पीछे आंसुओं का समंदर बह रहा है। कई लोग अपने भारी दिल के साथ हैं तो कई अपनी मौन आवाज के साथ। क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? वीर बाबू को अलविदा करने के लिए। ए, चुप कर। क्यों? इतना फेंकने की क्या जरूरत है? क्यों, जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। ये मुझसे बिछड़ कर रो रहे ऐसा सोच रहे हो क्या? मुझसे छुटकारा मिल रहा है इनको। ऐसा क्या कर दिया तुमने? क्या है? एक हो तो बताई जाए, इस गधे ने क्या किया पता है आपको? कमीना बेवकूफ, कहीं का कोई काम ठीक से नहीं करता। ए, वहां जाकर नहाना, हम पर गिरेगा क्या? क्यों, हम तुम पर नहीं गिरे उसका दुख है क्या? आवारा कमीना। आज घर में मछली पकेगी, ताजी ताजी मांदेली और सुरमे भी है। मैं घर पे जाके तैयारी करता हूँ, रात को खाने पे आ जाना भाई लोग। अरे वीर, ये तो बता, जब तू कूदा था तेरे हाथ में कपड़ा नहीं था, ये कहाँ से आ गया? अरे वो ना, मछलियाँ जब हाथ में आई ना तो तेरी धोती भी हाथ में आ गई। ओए, नीचे पूरा स्टेडियम खुला है, मेरी धोती मुझे दे दे भाई। नहीं नहीं, मछलियाँ निकल जाएंगी। ओए, धोती नहीं देगा तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। अबे, छोटी सी चीज के लिए इतना परेशान हो रहा है? छोटी चीज? ओए वीर, अगर मैं इस तरह से बाहर आया ना तो यहाँ की सारी लड़कियाँ मर मिटेंगी। मुझे डरा रहा है क्या? बाहर आके दिखा। ओए, मैं सच में आ जाऊंगा। हाँ ना, मैं कह देता हूँ आ जाऊंगा। आजा देखते हैं। ए सुन, उसके बाहर आने से पहले हम लोग भाग चलते हैं यहाँ से। लेकिन हम क्यों भागे, बता ना क्या बात है? चल ना यहाँ से, बताती हूँ, चल चल। अरे भाई बप्पी, क्या है ये गोदावरी में यहाँ वहाँ उछल क्यों रहा है? वहाँ गोदावरी का कलर बदल गया है ना, इसीलिए। अच्छा, ये बेकार के बहाने बंद कर, मुद्दे की बात बता। कनिका से सेटिंग चल रही है ना, इसीलिए उसे देखने गया था। कोयले जैसे तेरे चेहरे के लिए कनिका। पहले तू अपना छुपा। तुझे और कनिका सपने मत देख। तुम लोगों को भरोसा नहीं है ना, अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। अभी बात करके आता हूँ। अब मैं जा रही हूँ वरना मेरे पापा गुस्सा करेंगे। सुनो कनिका। ए, क्या है, अपनी बीवी की तरह बुला रहा है? नहीं, कल का दिया भूल गया क्या जो दोबारा आ गया? मैं नहीं आया, मेरे दोस्तों को डाउट हुआ इसलिए उन्होंने भेजा। अच्छा, तुम्हारी सुंदरता का राज क्या है ये तो मुझे बताओ ना। बताती हूँ ना, संतूर नारियल पानी चाहिए क्या? इसने सच में पटा लिया क्या रे? क्या बोल सकते है, हो सकता है पटा लिया। बेवकूफ कहीं का, अगर सुंदर होना है ना तो पहले अपने माँ बाप को सुंदर होना चाहिए, समझे गधे? किसके माँ बाप? बेकार के सवाल मत पूछ, अपनी चड्डी ऊपर खींच, बेवकूफ कहीं का। मुझे यकीन नहीं हो रहा है किसने पटा लिया। काला भैंसा कहीं का, इतनी बार गाली देती तब भी से शर्म नहीं आती। कहाँ से आ क्यों रे, अब तो तुम लोग मान गए ना? वो सब तो ठीक है, बीच में हमारी तरफ क्या इशारा कर रहा था? वो इसलिए कि हमारे प्यार में प्रॉब्लम ना आए, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और तुम सब उसके भाई हो, कुछ गलत कहा? नहीं प्यारे, टच कर दिया तूने, इतने दिन तक मेरी माँ थी, पापा थे और आज तूने एक बहन भी दे दी, तेरे लिए ये साला हाजिर है। ओ मेरे यार, मेरे साले साहब। ये क्या है भाई,
इतनी गाड़ियां जा रही है, कोई शूटिंग वूटिंग हो रही है क्या? अरे नहीं भाई, कनिका की शूटिंग है। हा? अरे कनिका की सगाई है। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? हम सारे दोस्त मर गए थे क्या? ए, दोस्त का मतलब सिर्फ नदी में नहाना ही नहीं होता है। दोस्त का मतलब एक साथ सिगरेट पीना भी नहीं होता। दोस्त का मतलब एक दूसरे के लिए। तुम्हारी फ्रेंडशिप देखकर मेरा दिल भर आया यार। काफी है, इस जन्म में ये दोस्ती ही काफी है। लेकिन अगला जन्म हुआ ना, वो कनिका के लिए। इसी जन्म में तेरी शादी कनिका से होगी। चल साहब, थालियां बदल दो। पंडित जी, क्या हुआ? इस सगाई के लिए मैं राजी नहीं हूँ। लड़की के माँ बाप यहाँ है, लड़के के माँ बाप यहाँ है, हम राजी हैं, तो तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मेरे प्यारे बड़े बुजुर्ग और यहाँ उपस्थित सारे महानुभाव, रोइए मत, मैं हूँ ना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाए, लेकिन तेरा ये भाई समझता है बहना। दारू पी के आया क्या? आप चुप रहिए उदयराज जी। सर, कनिका मेरे दोस्त से प्यार करती है। इस बात से अनजान इस इंसान ने अपनी बेटी का आपके बेटे से रिश्ता जोड़ना चाहा, बिल्कुल गलत है। ओए, बता किस गधे से प्यार किया रे मैंने? मेरे प्यारे बप्पी से। अबे धत, किस काले भैंसे से मैंने प्यार किया? क्या बोल रही हो? इसने तो मुझे कहा था कि कनिका और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्यों रे, मैंने तुझसे प्यार किया? अपना चेहरा कभी आईने में देखा है क्या? तेरी तो वही, रुक मैं आती हूँ तेरी बैंड बजाने। रुक आइला, भागता का है? रुक, अरे मर्द की औलाद है तो वहीं खड़ा रहे। मेरी बात सुनो, पापा, लड़की भद्रकाली दिखाई दे रही, मुझे ये शादी नहीं कर रही, मैं जा रहा हूँ। दामाजी दोस्तों पर इंप्रेशन जमाने के लिए मैंने कहा था, लेकिन ये वीर मुझे यहाँ ले आएगा मुझे थोड़ी पता था। मैं लाया? ए नहीं, ए कनिका, मैंने कुछ नहीं किया। अरे धत, उनके डर की वजह से हम लोगों को चोरों की तरह रात को पंचायत रखनी पड़ रही है, अब बताओ क्या करना है? उस गधे ने मेरी बेटी की सगाई रुकवा दी जो बस होने ही वाली थी। तुम्हारी बेटी की तो सगाई टूटी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अपनी बीवी से छुपा कर मैंने खेतों में दूसरी वाली को बुलाया था, मुझे दिल का दौरा पड़ा ये बताकर मेरी बीवी को वहाँ ले आया, बताओ। ऐसे लोगों को नंगा करके पूरे गांव में घुमाना चाहिए। अरे बेकार की बातें मत करो, ये बताओ करना क्या है? मेरा तो मानना ये है कि वीर भानु शरारती तो है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। शादियों का समय आने वाला है इसलिए थोड़े दिन के लिए उसे गाँव से बाहर भेज देते हैं। कुछ दिन के लिए किस लिए? हमेशा ही उसे गाँव में रहने दीजिए, हम ही लोग गाँव छोड़ के चले जाते हैं। और नहीं तो क्या, इतनी सारी जायदाद छोड़ कर हम यहाँ चले जाएं? जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? एग्रीकल्चर ऑफिसर ने कहा था ना कि नई ट्रेनिंग के लिए आसाम भेज देंगे। हाँ। एक आदर्श किसान बनाकर इस गधे को यहाँ से निकाल दो, समस्या खत्म। ऐसे भेजने से कुछ नहीं होने वाला है, पहले सबको चंदा जमा करना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से। तो ये बात है, फिर तो जल्दी ले जाओ इसे। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से, जाओगे तभी भला होगा। और नहीं तो चलो जाओ। अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो भाई, छोड़ते हैं। मैं मंदिर जाके हाथ जोड़ के आता हूँ ना। चलो आगे, सुनिए, तीन महीने की तो बात है, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी फिर आ जाना तुम, क्या दिक्कत? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए ना। मेरी बात तो मानिए, मैं नहीं जाना चाहता। सब कुछ खाने के लिए दे रहे हो ट्रेन में बेचने के लिए? कोल्ड ड्रिंक हम सब ले आए। एक बार फिर से सोच लो, ठीक से रहना, अच्छे से रहना और हमें भी अच्छे से रहने देना, हम आराम से रहेंगे। जा जा। क्या है ये?
अगर इसके मुंह में आइसक्रीम रख दिया जाए तो उसे भी काट कर खाना नहीं जानता मेरा बेटा। इतने सीधे को ऐसे टाइम पे जब मैं गांव में नहीं हूँ, इसे गांव की सीमा से बाहर करना चाहते हो तुम लोग? क्या बात कर रहे हो सीताराम जी, कृषि व्यवसाय के लिए नया ऑफिसर ट्रेनिंग देना चाह रहा था और ये इतना होनहारे की इसे भेजना हमने उचित समझा। सुबह से कोई नहीं मिला था तुझे क्या? मैं इलेक्शन टाइम का बुद्धू वोटर दिखाई देता हूँ, कौन बताएगा मुझे मेरे बेटे ने क्या गलती की? तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई, इससे बड़ी क्या गलती होगी? अगर ये शादी हुई होती तो उनकी सुहागरात जेल में होती। क्या जेल में होती? अलकायदा के बारे में पता है? अलकायदा से मेरा क्या संबंध? लेकिन उसका संबंध जरूर है जिससे तुम कनिका की शादी करवा रहे थे। हथियारों की तस्करी करने वाला टेररिस्ट है वो। टेररिस्ट है? हाँ। परसों मेरे खेत में अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था, मेरी सारी फसल खराब कर दी, उस पे क्या कहोगे? जरा मेरे पास आओ। क्या कीमत है तुम्हारे खेत? एक एकड़ का 3 लाख। अब उसकी कीमत हो गई है 33 लाख। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब वीर तुम्हारे खेत में गिल्ली डंडा खेल रहा था तब सेंटर के सेंट्रल मिनिस्टर ने वहाँ से रिंग रोड सैंक्शन कर दिया। हमारे गांव में रिंग रोड? भोंदू, जब उन्हें भरोसा हो रहा है तो तू अपना मुँह क्यों खोल रहा है? अब आप लोग मुझे बताइए, इसने बिना आपका नमक मिर्च खाए आप लोगों पर जो उपकार किया है वो गलत है क्या? इस गांव की खुशी के लिए अपनी खुशी की बलि चढ़ाकर सबकी गालियां सुनता रहा, क्या वो गलत है? लोग सांप की मूर्ति पर दूध चढ़ाते हैं लेकिन पहरा देने वाले कुत्ते को कभी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिलाते, यही इस जगत की सच्चाई है। चलो बेटा। ये बाप बेटे कभी नहीं सुधरने वाले हैं। 1, 2, 3, 4 मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा, हम हैं तुम्हारे मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा। लाओ मैं इसे रख देता हूँ। क्यों जी, ये इतनी जल्दी शहर जाकर आ गया? शहर? मेरे इस गांव में रहते हुए कौन मेरे बेटे को शहर भेज सकता है? सबक सिखा दूंगा सबको। आज तो वापस ले आए लेकिन आगे क्या करेंगे? वो अगर ट्रेन में बिठाएंगे तो मैं प्लेन से वापस ले आऊंगा। मुझे दो। ये सब क्या है जी? मैं बनाता हूँ ना। वहाँ पर कपड़े पड़े हैं, उन्हें सुखा दीजिए, अंदर बर्तन है वो साफ कर दीजिए। अरे सुन सीमा, तेरा अब कोई काम नहीं है, तू घर जा। तो मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। अरे वीर बेटा, हाँ इधर तो आ। ओके, पकड़ इसे हैया, जोर लगा के हैया, ऐश जोर से हैया, जोर लगा के हैया, ऐश जोर से हैया, जोर जोर से हैया, और जोर से हैया। एक भी काम ठीक से नहीं करेंगे। एक बंदर को दूसरा बंदर मिल गया, अपना मुंह धोकर खाना खा लीजिए। तुझे पसंद है इसलिए घर में ही मैंने दही जमाई थी। क्यों बेटा, इस बार एग्जाम में पास हो जाएगा ना? भोजन के समय इस तरह के मुश्किल सवाल मत किया करो माँ। अरे पास हो जाएगा ना, मैंने अरेंजमेंट्स कर दिए थे। अरेंजमेंट्स? किसकी नकल की? नकल की? क्या बकवास कर रही हो, पास होने के लिए जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे वो किए थे मैंने, प्योरली पर्सनल। अवीर, अरे अवीर, अरे अरे क्या कर रहा है? ये ले। क्या हुआ, पास हो गया ना? तू खुद ही देख ले यार। क्या हुआ, लुढ़क गया क्या? पास हो गया। कहाँ चला गया वीर बेटा? पापा। तेरे पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी पेड़ वेड़ पे चढ़ गए होंगे, देख लो। संभल कर बेटा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले रे हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले रे हीरे मोती, मेरे देश की धरती। वो देखो जैसे रेड एफएम पे गाना गा रहे हैं। माँ थोड़ा संभालो ना इन्हें, दोस्तों के सामने मेरी इज्जत चली जाती है। ए, क्या बकवास कर रहा है? उनकी आवाज सुनने के लिए आसपास के गांव के लोग भागे चले आते थे। अरे बाप रे, मैंने तो गलती से कह दिया माँ, तुम अपना काम करो।
सुनिए जी, खाना। अवश्य, हम आ गए। ए वीर भानु, यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, तेरे लिए ही आया। अरे बाप रे, मुझसे शादी करने वाले हो? शादी? मेरे पापा हाँ कर दे तो ओके। ए, मेरे बेटे को फंसा रही है। जहाँ मेरे बेटे की शादी होगी ना, वो ऐसी वैसी नहीं, बड़ी फैमिली होगी। क्या कहा जी? छोटा टिफिन लाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं, हमारी भी बहुत बड़ी है। क्या बड़ी है? हमारे गांव में 10 एकड़ जमीन, वो बड़ी है। ओ, जमीन। हाँ जी। इसे समझाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बड़ा का मतलब जायदाद या पैसा नहीं है, उसका मतलब क्या है ना? आप पहले खाना तो खाइए। अरे रुको ना। सुनेंगे नहीं। घर में एक बड़ा सा आंगन होना चाहिए, और उस आंगन में कदम रखते ही, अरे दामाद जी आइए। अरे सुनो, दामाद जी आए हैं। आओ आओ, दामाद जी आए हैं। घर भर में शोर मचाने वाले ससुर जी, अरे अरे दामाद जी आइए, धूप में आए हैं, मैं पैर धो देती हूँ आपके। ऐसा कहकर पानी लाने वाली सासू माँ, जीजा जी ठीक ठाक है ना? ये लीजिए टावल, पैर आप खुद पोछेंगे या मैं पोछ दूँ? ऐसे मजाक करने वाले साले। क्या जीजा जी, कितने दुबले हो गए हैं। दीदी खाना नहीं देती, ऐसे प्रेम से छेड़ने वाली साली। जब खाने पर बैठे तो ये शाही पनीर खास आपके लिए बनाई है जीजा जी, ऐसा कहकर प्रेम से खिलाने वाली सलहज। अरे दाल में घी तो डालो, घी खाने से सेहत अच्छी रहती है। इतने प्यार और मनुहार से जिस दामाद को उसके ससुराल में प्यार मिलता है, उसके भाग्य के क्या कहने। शादी विवाह और त्योहारों में खुशियां बांटने वाले और मुसीबत में दुख बंटाने वाले अपने, ऐसी सोच वाला बड़ा परिवार अगर मिल जाए तो ये जीवन स्वर्ग हो जाए। सुनिए जी। हाँ, उसे कहते हैं बड़ा परिवार। अरे वीर भानु, ऐसे बड़े परिवार में तेरी शादी करेंगे। पापा, हाँ? मैं राजू के घर जा रहा हूँ। हाँ। टाटा। सारे मेरे गुण हैं इसमें। अब तो खाना खाइए। ठीक है। अरे हम तो तेरे आशिक। सोनू, ए सोनू, कहाँ जा रहा है यार? अरे जाते समय किसी से पूछते नहीं कहाँ जा रहा है। ऐसा क्या? चल अब बता कहाँ जा रहा है। ये नहीं सुधरेगा यार, पास में जा रहा हूँ, वहाँ के दुर्गा प्रसाद जी को ये साड़ी देकर आनी है। क्यों, वो पैंट नहीं पहनते क्या? पक्का मत यार, ये साड़ी उनके लिए नहीं है, उनकी बेटी लक्ष्मी के लिए है। वो आज ही शहर से आई है और आज उसका जन्मदिन भी है। दुर्गा प्रसाद जी ने 6 महीने पहले इस साड़ी के लिए एडवांस दिया था। तो फिर मैं भी चलता हूँ। चल चलते हैं। अरे यार, घोड़े के साथ लंगूर अच्छा नहीं लगता। मतलब तू नहीं जाएगा? चुप कर, ले चलता हूँ। तो चलना। पक्का डालता है यार तू। ए, और सुन, वहाँ पे उछल कूद मत करना। ए, तू कहाँ जा रहा है? रुक जरा, इंट्रो नहीं करवाएगा? हाँ हाँ, आप तो भूटान के राजकुमार हो ना, जो इंट्रो करवाऊँ आपका। ए, घास हमेशा बगीचे में अच्छी लगती है, घर के अंदर नहीं। ए, मुझे भी अंदर ले चलना। चुपचाप बाहर खड़ा रहा, नहीं तो धो दूंगा तुझे। यहीं रहना। मैं खुद अपनी जान हथेली पे लेके आऊं, ऊपर से ये आ गया। हे भगवान, बस मुझे यहाँ से जिंदा निकाल देना। भाई स्त्री प्रसाद, गाना अच्छा है, थोड़ा साउंड बढ़ा। सावित्री माँ जी, सुशीला माँ जी, मेरी बात सुनो। दीदी सुनो, जूस लीजिए जी। मारा को मेरे सर पे रख दिया। ऑर्डर लगा ना। यहाँ पे तो सारे डांस में बिजी हैं भाई। क्या हुआ सोनू? ये लक्ष्मी के लिए साड़ी लाया भाई। लक्ष्मी कहाँ है रे? झेला बढ़ा के देखो ना। अच्छा ही क्यों, 60 मांग लो। आखिर जवाब क्या है वो बताओ। वो असल में, अरे कौन है, ये घर है, टूरिस्ट प्लेस नहीं, बंद करो। अरे बाप रे, शेर तो मान रही है और ये बंदर बाहर नाच रहा है। अब रेडियो किसने बंद कर दिया? तुम्हारे पापा ने बंद करने को कहा। अगर आप रेडियो ऑन नहीं करेंगी तो मैं बाहर नहीं आऊंगी, सारा दिन ऐसे ही बाथरूम में ही गुजार दूंगी। ठीक है, थोड़ा आवाज कम करके चालू कर दो। बेटी मुझे जल्दी जाना है, बाहर आओ। ठीक है पापा।
खुश रहो। तुझे हमेशा खुश रखे बेटी। चंदा की चांदनी तुझसे ही तो है यारा, थोड़ी सी रोशनी हमें भी तो दे। प्यारी तेरी यारी बड़ी है मुझे भारी, हाँ प्यार ये तेरा तलवार तो धारी। आंखें ये तेरी लागे मुझे कटारी, जोड़ी हमारी जैसे जाए संग खारी। क्या सुनो क्या लाए हो? लक्ष्मी के लिए साड़ी लाया हूँ। ठीक है तुम जाओ। हाँ। अरे यार ये तो मर रहा है। सुन, अरे तू क्या कर रहा है यार, यहाँ इज्जत की धुलाई हो जाएगी। निकल निकल, ए चल 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 चल, ए चल रे चल चल, अरे आजा हो लंगूर, जहाँ देखो वहीं शुरू रहता है, चलना। वाह 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 वाह, क्या सुंदर क्या खूबसूरत। एक ही शब्द में अगर कहूँ तो जैसे मंदिर में खड़ी कोई देवी हो। अगर वो देवी है ना तो उसका बाप उसकी रक्षा करने वाला भैरव बाबा है, और उसका चाचा, अरे पाप रे, खतरनाक तांत्रिक है वो, हर समय भूत उतारने के लिए तैयार रहता है वो। वैसे भी उनका हमारे गांव से कोई रिश्ता नहीं रे, ये रिस्क लेके मरना क्यों चाहता है। लेकिन हमें तो अपनी कोशिश करनी चाहिए ना। पता चल गया भाई, 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 भाई। वीर भानु, पता चल गया उसका नाम है लक्ष्मी। पहले वो शहर में पढ़ाई कर रही थी, अभी अभी गाँव के कॉलेज में आई है, बीएससी फाइनल ईयर कर रही है। अरे बापरे, दो लोग पहले से लाइन में है, क्या करे, माल ही ऐसा है। मेरा मतलब खूबसूरत है। हाँ। तुम भी लाइन में हो, दो लोग ऑलरेडी लाइन में थे, उसमें से एक को तो उसके बाप ने पहले ही किनारे लगा दिया। देख ध्यान रखना, लड़की बहुत होशियार है। कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर पर उसका क्लास है और सेकंड फ्लोर पर सुशीला का क्लास है। मेरी वाली कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है भाई। अच्छा, मारा क्यों? बात खाली मेरी वाली के बारे में कर। सुबह 8:30 बजे वो घर से निकलती है, उसके बाद 9 बजे वो नदी के किनारे पहुंचती है, 9:30 बजे वो बोट में बैठकर कॉलेज जाती है। 10 बजे का कॉलेज है भाई उसका। अभी टाइम क्या हुआ है? 9:05 है भाई। 9 बजे तो बोट निकल जाएगी यार। ए, घर में माँ बाप को बोल के आया कि नहीं? तू कह देना। क्या वीर भानु के साथ तू भी जा रहा है? चल मैं किस लिए यार, लड़की के सामने मुझे महान जो बनाना है, चल। अगर उसके बाप को पता चला तो जिंदा गाड़ देगा वो दोनों को। अरे रुक, अरे आना, अरे रुक जाओ। अरे यार मैं और तेज नहीं भाग सकता। वो देखो बंदर। ऐसे बंदर की तरह छलांग क्यों मारी तूने? मैं बोट किनारे ही लगा रहा था ना। किनारे लगा रहे थे, जा नहीं रहे थे क्या? दिल मेरे तू दीवाना है। अरे यार मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है। अरे हाँ टाइम तो देख जरा, बराबर है ना? घड़ी में टाइम ठीक है लेकिन हमारा खराब है। मेरी बात सुन यार, वापस घर चलते हैं। अभी मेरी लक्ष्मी आती होगी अपनी पुस्तिकाओं को हाथ में लेके। हाँ, और पीछे उसका बाप भी आएगा। लक्ष्मी के साथ उल्लू तो आएंगे ही ना, उन पर ध्यान मत दे। अरे हाँ, उसके आने के बाद हाँ? ये फूल ऐसे लेकर ऐसे पोज दूंगा तो कैसा लगूंगा? जैसे लंका में हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी दी थी वैसा। अच्छा ठीक है, ये कैसा है बताऊं क्या? हाँ? जैसे कुत्ता बिजली के खंभे पर टांग उठा के कर रहा हो। अच्छा तेरी, उधर देख तो। सीनू,
फ्रेंड है? नहीं नहीं, ये मेरा फ्रेंड नहीं, बस इसे बचपन से जानता हूँ मैं। तो फिर कल हमारे घर के सामने बंदर की तरह क्यों उछल रहा था ये? तुम लेकर आए थे ना? अरे नहीं नहीं नहीं, इसने बस रास्ते में लिफ्ट मांगी थी, इसलिए इसको साथ ले आया था। तो देखो क्यों रही, इस गांव में सभी ऐसे ही है क्या? कल मुझे देखकर उछल रहा था और आज देखो तो फूल लेकर आया है, पोज भी मार रहा है। सुना, फूल के साथ लेटर देना चाहता था, इसने कहा फूल ही काफी है, गधा कहीं का। मैंने कहा था? नहीं कहा था। फूल तो ठीक है, पर ये पोज देने के लिए किसने कहा था? तुझे तो वरना पोज मस्त था। हाँ हा, मेरा ही था, देखा हूँ। ये वाला था ना? नहीं नहीं, इससे पहले वाला। हाँ ये वाला। नहीं नहीं, इससे भी पहले वाला, वो एक पैर उठाकर ऐसे पकड़ कर खड़े थे जो। अच्छा ये? हाँ यही वाला। लक्ष्मी बेटी, भाग ले, उसके पापा आ गए। ये तो पानी में कूद गया, जिंदा है या मर गया? बेटी। हाँ पापा। देखो ये सब ठीक नहीं है बेटी। क्या? और नहीं तो क्या, सुबह मुझसे कहा था कि फीस भरनी है, ये भी मुझे याद दिलाना होगा। जल्दी में भूल गई पापा। कितने हुए? आपकी मर्जी। हा? तुम्हारे कॉलेज में जितने तो उतने ले लेते हैं। 700। पापा। 100 रुपए और दूं क्या? ओए। हाँ साहब। बच्ची अकेली है, जरा ध्यान रखना। हाँ ठीक है साहब, ध्यान रखूंगा। कहीं सच में मर तो नहीं गया? अरे गधे, लंगूर, पागल कहीं के, मैं तो डर ही गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे जेल हो जाती। ऐसे कोई पानी में कूदता है क्या? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है बेवकूफ कहीं के। तुम ऊपर तो तुम्हारी जान ही ले लूंगी, खून पी जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम बाहर आओ, तुम्हें अभी दिखाती हूँ मैं। देख से ठीक चले जी। नमस्ते। क्या, रे, क्या बात है बोल। पूना में मेरे साले की शादी है। रिश्ता अच्छा मिला है ना? दहेज कितना ले रहा है? हमारा कौन सा बड़ा डायरीज होता है। क्या डायरीज? हाँ जी वही दहेज। डाउरी ना, इंग्लिश सीख रहा है तू आजकल? साहब जी आप परमिशन दे तो 25 को पूना जाके फटको आ जाऊंगा। फटकर आ जाएगा? आप भी रहने दीजिए मालिक, मैं क्या फटूंगा। अरे तूने ही तो कहा फटकर वापस आऊंगा। मैं क्या फटकर आऊंगा? देख तू सुबह सुबह मेरी मत खिसका, समझा? मालिक एक बार हाँ कह देते तो। ना बोला ना। मालिक 25 को पूना जाकर फटको आ जाऊंगा। तेरी तो पूना जाकर तू कैसे फटेगा, क्या फोड़ेगा, मुझे जानना है। रे रे रे, क्या हुआ? रैनी से पूछो ना। क्या रे? क्या हुआ? पूना में मेरे साले की शादी है मालिक। मैंने कहा 25 को पूना जाकर फटको आ जाऊंगा। फटेगा तू? लेकिन मैं क्यों फटूंगा जी? यही बात है। अच्छा मुझे बताओ पूना, तुम अपने साली की शादी में जा रहे हो, ये फटको और आने का क्या ताल्लुक है? क्या फटेगा जी? अबे तेरी तो पूना की कहानी फिर से बता, और गोली से मार दूंगा। क्या फटेगा, कैसे फटेगा, सब बता। बात क्या है? अरे इसी से पूछना। क्या हुआ काका? पूना में मेरे साले की शादी है, मैंने कहा 25 को पूना जाकर फटको आ जाऊंगा। तुझे समझ में आ गया? पूना में इनके साले की शादी ये है। ये तो मेरी समझ में आ गया। 25 तारीख को जाकर। वो भी मैं समझ गया। फर्स्ट को वापस आ जाएंगे। ओहो, फर्स्ट को आ जाऊंगा बोल रहा था। फर्स्ट को आ जाऊंगा कहा, पहले तो फटको आ जाऊंगा कह रहा था। 25 को तू चला जा, लेकिन अगर वापस आया ना तो तुझे गोली मार दूंगा मैं। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, ऑल ऑफ यू सिट डाउन। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट पॉलिनेशन, the process of transfers of pollen from one flower to another. Did you understand? अरे ये लंगूर यहाँ क्या कर रहा है? Any difficulty students? Come on. अरे वीर बानू, गाड़ी मेरी है यार, प्यार से हैंडल करना। ये सर्कस के कर्तव्य क्यों दिखा रहा है मुझे? अच्छा हुआ चला गया। ये दवाइयाँ असली हैं ना? डाउट मत करो भाई साहब, पिछले महीने इसे पीकर 6 किसान मर गए थे। चाहो तो आप भी टेस्ट कर सकते हो। तो देर क्यों कर रहे हो, टेस्ट करो ना। क्या हुआ, बकवास बंद करो और बिल बनाओ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? ये कौन है जो सड़क पर ही सर्कस दिखा रहा है? कॉलेज के सामने कर रहा था तब भाव नहीं दिया तो यहाँ आकर शुरू हो गया। अगर ऐसे ही रहा तो घर तक सर्कस दिखाने आ जाएगा। आजकल के जवान लड़कों को देखिए, एक बार गाड़ी हाथ में आई ना तो नजर जमीन पे नहीं रहती है। उसकी स्पीड देखिए आपने, अगर ऐसे ही चलाता रहा और गिर गया तो बॉडी का पता नहीं चलेगा। गलती उसकी नहीं है, उसके बाप की है जिसने उसे गाड़ी खरीदवाई। अरे वीर भानु, वैसे तो कहा था ना मैंने तुझसे, ये वापस आ गया। सामने देख। अच्छा
अबे अड़बे, मेरा गुलाब का फूल आ रहा है। देखा, गिरा तो बेटा ऊपर है इसकी, पता नहीं कैसे कैसे लंगूर है। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, ओए इधर आओ। मैं आऊँ? हाँ तुम ही। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों आवारों की तरह इस तरह मेरा पीछा कर रहे हो? अरे तुम्हें इम्प्रेस जो करना है मुझे। इम्प्रेस करना है मतलब तुम्हारी तरह की आइटम मतलब सुंदरियाँ आसानी से पड़ती नहीं है ना, हमें तो अपनी कोशिश करनी चाहिए ना। लड़कों को देखकर हम लड़कियों को भी दिल से चेहरे पर ग्लो आना चाहिए, तभी वो पड़ती हैं। वो कैसे? ऐसे वैसे मतलब, हाँ मतलब वो करने के लिए हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए ना। तुम्हें सुनो, मैंने तो पूरा लिखा है पर बहुत देखो आ गया जोकर। लगता नहीं ये ज्यादा ओवर कर रहा है। मर गया, शैतान कहीं क्या गिरा दिया। ये कैसा इंसान है जो कॉलेज से यहाँ तक पीछा करता हुआ आ गया? ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि सारी हीरोगिरी भूल जाए। पंडित जी, सगाई के लिए कम से कम कितना लेते हो? 511। और शादी के लिए? अब इसका 1011 जाएगा। वैसे शादी किसकी है? मेरी ही। कब है शादी? लड़की जब हाँ कहेगी। लंगूर कहीं का, एक दूंगी ना सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। पापा आप यहाँ कब आए? जब तू सड़क पर मोटरसाइकिल पर अपने सर्कस के करतब दिखा रहा था तभी आ गया था। क्यों रे, तू अपने आप को जैकी चेन समझता है क्या? बैंगन कहीं का, बैंगन कहीं का। क्या कह रहे हो पापा, आप भी ना इतने में ही डर गए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान था। कुछ नहीं था, बहुत आसान था। अचानक सड़क पर कोई ट्रक आता और तुझे ठोक कर चला जाता, तू उसके नीचे पापड़ बन जाता, तुझे चिमटे से खरोच कर निकालना पड़ता। बैंगन कहीं का, बैंगन कहीं का। सब लोग देख रहे हैं पापा, घर चलकर बात करते हैं। आजकल के जवान लड़कों को चर्बी बहुत चढ़ गई है। तू चुप कर पोंगे। क्यों रे, तू जानता है तू ही मेरा इकलौता बैंगन है, अगर तुझे कुछ हो गया होता तो मेरा क्या होता। बैंगन कहीं का, बैंगन कहीं का। पापा लेडी सामने है। घर चल फिर बताता हूँ। बैगन कहीं का, बैगन कहीं का। बहुत बेइज्जती हो गई यार, लड़की के सामने बैंगन बोल दिया मुझे। भाई प्रॉब्लम इंसान को ही आती है, तू परेशान मत हो भाई। बैगन, ताजे बैगन, काले बैगन, देसी बैगन। तुझे नहीं कहा भाई, वो अपना बैगन बेच रहा है। अरे क्या कर रहा है तू? अपना मुंह तो धोने दोगे कि नहीं? अरे क्या हुआ? बैगन, ताजे बैगन, काले बैगन, देसी बैगन ले लो। बैंगन के अलावा और कुछ नहीं बेचता? सब्जियां तो सभी बेचता हूँ बाबूजी, लेकिन क्या है बैगन के अलावा आपके गांव में आज कुछ नहीं बिक रहा है। तुझे तो मैं अरे गुस्सा क्यों होते हो, कल कोहरा लेके आऊंगा। चाची मुझे बैंगन देना था। अरे क्या हुआ बेटी, पानी पियो। बैंगन कहीं का, बैंगन कहीं का। क्या हो गया बेटी? बैंगन कहीं का, बैंगन कहीं का। हुआ क्या बताओ तो बेटी। खुशी बाबा। बैंगन कहीं का, बैंगन कहीं का। अरे क्या हुआ तुझे? अरे बेटी क्या हो गया? बैगन सोने से भी महंगा हुआ। ये तो आज बड़ा पेपर पड़ रहा है यार। एक किलो बैगन विजयवाड़ा में 50 रुपए, वैजाग में 60 रुपए, हैदराबाद में 70 रुपए। अरे बैगन से मार कर हत्या। रेट तो सही में बैगन के ही बता रहा है ना, या जानबूझकर कर रहा है? अरे बैगन की किस्म भाई, देख लो। चला। वैसे बैगन से तुझे इतनी एलर्जी क्यों है? ये तो गया आज। बैगन में कितनी ताकत होती है पता है? महाभारत के धृतराष्ट्र ने बैगन खाकर ही 100 कौरवों को जन्म दिया था, और अपने कृष्ण बैगन खाकर ही 1600 को भी उसे रोमांस कर पाए। बैगन खाकर? पंच शाकाहारी भोजन में बैगन ना हो तो शिकायत दर्ज हो जाती है। सब्जियों में मेरी नापसंद सब्जी बैंगन, अगर दोबारा उसका नाम लिया ना काट डालूंगा तुझे। देखो वो वहां खड़ा है। सच में मेरे भी घर में बनी थी लॉलीपॉप। तुझे उसकी याद आ गई होगी ना, पूरे घर में बैंगन। उसके सामने मेरी बेइज्जती हुई थी, 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। हमारे खेतों में सबसे ज्यादा बैंगन की खेती होती है। बड़े वाले या छोटे? टॉपिक तो अपना ही चल रहा है ना। अपना नहीं तुम्हारा चल रहा है। अरे ओ बैंगन कौन है?
किसने मजाक उड़ाया मेरा? पूरे गांव में हल्ला मचा दिया यार इसे ना। क्या हुआ दादी? बेबी, हमारी बेबी मर गई। बेबी? ये बेबी कौन है? अरे लक्ष्मी, गैस पर दूध चढ़ा रखा है, उबलना जाए देखना। ए, क्या करूं? और सुन, मिर्चियां सुखाने डाली है, वो भी देख लेना। मैं क्या करूं? माता, माता, खबर दी है बिना इतनी जल्दी निकल पड़ी माता। क्वार्टर की तरह कितनी प्यारी दिखती थी माता। परसों जीना था, 110 साल में ही निकल चली माता। 110 साल? मुझे गोद लेने वाली थी ना माता। मुझे सारी जायदाद भी लिख कर देने वाली थी माता। अपना घर भी लिख कर देने वाली थी माता। कुछ भी किए बिना ही टपक गई माता। तुम दुखी मत हो दास बाबू, जो इनको आग देगा उसके नाम पर घर की वसीयत करके गई है। कितने का बैठेगा घर? लगभग 5 लाख का होगा। जायदाद नहीं, उधार। उधार? उधार के पैसे चुका कर घर अपने नाम कर लेना। तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया माता। तो आग कौन देगा भाई? मेरे पास माचिस नहीं है बाबा। मेरे पास है ना? तेरे पास है? अरे मुझे फंसा कर चली गई माता। दारू है क्या? चूहे मारने की दवा? कोई बात नहीं, फिल्म देखने चलोगी? चप्पल पड़ेगी। कुछ काम नहीं बन रहा। क्या कर रही है? क्या है दादी माँ? अब पढ़ाई क्या कर रही है? जरा रो ले। मुझे रोना नहीं आता। मैं रो रही हूँ ना, मेरे साथ सुर मिला ले। आइए भाई आइए, मेरी माता मर गई। माता! अरे अच्छी तरह से रोना, नहीं तो बेबी का भूत आ जाएगा, पीछे पड़ जाएगा। अब तो हद ही हो गई, इन्हें तो मार डालूंगी मैं। अरे बाप रे, दादी माँ ने पहले ही कहा था लाश के सामने ठीक से ना रो तो भूत साथ में जलाता है। बेबी मुझे माफ कर दो बेबी, अगली बार मैं ठीक से रोऊंगी। शहर से कब आए? अरे आज ही आते ही तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? वो रास्ते में बंदर पीछे पड़ गए थे इसलिए डर गई। बंदर? लोकल बंदर थे, दो केले उनके सामने फेंके तो तुरंत भाग गए। पर आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? दो दिन बाद श्री रामनवमी उत्सव है ना, आप सभी से मिलने का मन किया, ऊपर से साइकिल रेस है तो प्रैक्टिस करने आ गए। प्रैक्टिस? आप तो नेशनल चैंपियन है, इस बार भी कप आपका ही होगा। थैंक यू। घर में आंटी कैसी हैं? वो सब लोग तुम्हारे घर पर ही बैठे हैं। लैंकर। हाँ? भाई इससे तो ना। दादा। हाय आंटी, कैसे हैं आप लोग? इतने दिनों बाद हमारी याद आई। तुझे अपने साथ अपने घर ले जाने आए हैं। रेडी हूँ। जाने के लिए अभी बहुत टाइम है। बेटी रमन के लिए चाय तो लिया? ठीक है माँ। ये जब से शहर से आया है बस आपके घर आने की जिद कर रहा है। ये तो अच्छी बात है, रमन नहीं आता तो तुम्हें मेरा घर भी याद नहीं आता। याद आने की बात नहीं है, मेरी बीवी की बात कर लो, इनके साड़ी पहने तक हम सिंगापुर से लौट कर वापस आ सकते हैं। ऐसे कह रहे जैसे आपको टाइम नहीं लगता, आपके सर का कलर होने तक घर का पोछा लग जाता है। रमन चाय लो ना। ये मैंने क्या कर दिया? I'm sorry, रमन। सारी शर्ट खराब कर दी मैंने, अब ये दाग भी नहीं जाएंगे। देखा अभी से कितनी चिंता कर रही हूँ भाई साहब। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, हमारी बहू को ही देख लीजिए, जाने अनजाने में मेरे बेटे को छेड़ रही है। भी ना। I'm sorry, गलती से गिर गई। हाँ जी बोलिए। जोड़ी अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी। Thank you.
नाम है एमएस ब्रह्मानंद। स्टूडियो इन के दर्शकों को श्री राम नवमी की हार्दिक बधाइयां। इस पुण्य तिथि के उत्सव पर होने वाले कार्यक्रमों को आज हम आपको लाइव दिखाएंगे। लेट्स कम ऑन एंजॉय। अरे कैमरा रन ही नहीं हुआ। अबे तेरी तो, तू क्या मेरी शक्ल देख रहा है? कैमरा रन कर, रेडी। हाय मेरा नाम है, अबे तुझे नहीं कैमरा रन करने के लिए बोला। क्या रे, इतना परेशान क्यों लग रहा है? मेरी मूली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मूली कल बोर्ड की तरफ नहीं आई, ना ही कॉलेज की तरफ आई, और ना ही आज मंदिर आई। अरे सुनो, हमारा वीर भानु कहाँ है? यही होगा। अरे सुन वीर बेटा, अरे चल भगवान के दर्शन कराते हैं। मैं पहले किसी के दर्शन का वेट कर रहा हूँ, जाओ यार। किसके दर्शन? अरे दोस्तों का वेट कर रहा होगा। वही वही, आप लोग जाइए जाइए जाइए। चलिए नीचे उतरिए। सब सामान ले लिया ना? आजा बेटा आजा। लक्ष्मी, मेरे दिल की रानी, लक्ष्मी नहीं आई क्या? यहाँ है। समधे जी, इतनी देर कैसे हो गई? सभी लोगों को साथ लाने में वक्त लग गया। रमन बेटा कहाँ? अरे आज साइकिल की रेस है ना, वो हमसे पहले ही आ गया था। मतलब इस साल भी कप अपना ही समझो। अरे मेरी जलेबी आ गई। ओए अगर फिसल गए तो सिर फट जाएगा। अरे फिसलूंगा तो तुम हो ना खींचने के लिए। तुम ही तूनो, तुम जाओ यहाँ से। अरे मैं कहाँ जाऊँगा, मैं उस जोंक की तरह हूँ, अगर पकड़ लिया ना तो छोड़ता नहीं हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। ए सुनो, झूला रोको। ए रोकना मत। रोको। अरे रोकना मत। अरे कहाँ रोको। अरे क्यों रोक दिया इसने? पता नहीं किस घड़ी में पैदा हुआ होगा। ए लक्ष्मी, अरे रुको रुको। अरे तुम झूले से उतर क्यों गई? कहाँ जा रही हो? चलो ना एक राउंड और मारते हैं। तुम जाओ, मैं नहीं आ रही। वैसे आज सुबह से कहाँ थे तुम? तुम्हारी सारी फैमिली यहाँ आई थी लेकिन तुम्हारा आता पता नहीं था। कितने टेंशन हो रही थी मुझे, थोड़ा टाइम टेबल देके जाया करो यार। क्यों मिस्टर, बीवी से बात कर रहे हो क्या? तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है। क्यों नहीं बताओगी, दो दिन से मैं इंतजार जो कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? वही तुम्हारे मेरे बीच में वो जो हो गया है। क्या हो गया है हमारे बीच? तुम अपने आप को समझते क्या हो? अरे बाप रे, ये क्या, तुमने तो फिर से रिवर्स गियर डाल दिया। उस दिन तो तुम मुझे देखकर ऐसे हंसी थी। हंसने से प्यार हो गया क्या? तो फिर? अरे लंगूर, कहा था ना प्यार होने के लिए लड़कों को देखकर लड़कियों के फेस पर ग्लो आना चाहिए। ऐसे करने के लिए ही तो इस तरह पीछे पड़ा हूँ। तुम्हारा पीछे घूमना मेरे घर वालों ने देखा तो लोगों को तुम दिखाई नहीं दोगे। डर रही हो क्या, ये सब तुम पे शोभा नहीं देता। कुछ और बातें करो चाचा जी। बाप रे। अब तक हमने मंदिर के आसपास का उत्सव देखा, अब हम लोग भगवान को देखते हैं। कम ऑन। आहा, वो देखिए, दशरथ पुत्र राम, रघुकुल शिरोमणि, पुरुषोत्तम राम, राम के बगल में लक्ष्मण है और लक्ष्मण के बगल में सीता। किधर गई सीता? कहाँ है सीता? तुम नहीं, सीता माता। पुजारी जी, पुजारी जी, सीता माता कहाँ चली गई? सीता माता के दर्शन करने हैं तो पड़ोस के गाँव में जाइए। पड़ोस के गाँव में? पड़ोस का गाँव मतलब 10 किलोमीटर दूर नहीं, इसी मंदिर में स्थित दूसरे भाग में जाइए। ये क्या, ये मंदिर भी विचित्र है, हम इसी मंदिर में स्थित दूसरे मार्ग से दूसरे गांव की तरफ जाते हैं। चलिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी वहाँ है और सीता माता यहाँ है। क्या परिवार में बंटवारा हो गया? मैं नया आया हूँ क्या? हाँ नया हूँ, बताएंगे नहीं? हाँ बताऊंगा, मैं क्या पूरा गांव जानता है, उन बच्चों से पूछोगे वही बताएंगे। कंचे खेल रहे हो, इस मंदिर के बारे में आप लोग बताएंगे। 1947 में जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे, जैसे 1953 में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अलग हुए थे, और 1996 में हमारा गांव भी अलग हो गया। लेकिन ऐसा क्यों? वाटर बोतल जैसे है वो, उनसे पूछोगे तो थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे। मैं हूँ फुल बोतल की तरह, मुझसे पूछो फुल स्टोरी बताऊंगा। सेलिब्रिटी वहाँ है वे। हाँ कहिए 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 कहिए, कहकर मुँह के सामने माइक मत रखो। समझ गया, तुम आदमी बड़े समझदार हो। मुझे पता है, टीवी सीरियल की तरह खींच के बताओ या फिल्मी स्टोरी की तरह शॉर्ट में बताओ? एड फिल्म की तरह ब्रीफ में बताओ। तब तो ठीक है। ब्रांडी सोडा की तरह ये दोनों गांव प्रेम से मिलकर रहा करते थे। हर पंचायत में हार जाता था, इसीलिए उस चमनलाल ने अपना दिमाग लगाकर इन दो गांवों को अलग करने के लिए 14 साल पहले ही बीज डाल दिया। गांव का बंटवारा हुआ वो तो ठीक है, लेकिन भगवान का बंटवारा? बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा कर दिया गया। थोड़ा डिटेल में बताएंगे? उसका दूसरा क्वार्टर लगेगा। ये लो, तुम तो चैनल को बेच ही खाओगे। कब का बेच डाला? गाँव बंटने के बाद श्री राम जी इस गाँव में और सीता माता उस गाँव में जंप हो गयी। उसके बाद हुआ ये। भाई सर्वेयर, पहले तो कहा था कि मंदिर हमारे गांव में है,
और आज कह रहे हो कि उनके गांव में चला गया, ये क्या बात जी, है? वो उस समय पेपर से हिसाब किया था ना तो ऐसा निकला, अब ग्राउंड को ठीक से नाप कर देखा तो ये हिसाब निकला है जी। मुझे तो कोई धोखाधड़ी लग रही है, क्यों भाई? देखा ना, थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो अपने लोग चुप नहीं बैठते, जरूरत पर दूसरे की गर्दन में नहीं देखते। अब अगर नापने में गड़बड़ की तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सर्वेयर साहब जी, हम झगड़े में क्यों पड़े? जो उनका है उनको बता दीजिए। मंदिर के राम जी और सीता माता के बीच बंटवारा करना मुमकिन नहीं है, ये फैसला आप लोगों को आपस में करना होगा। अब आई असली बात। तो क्या राम जी और सीता जी को तोड़वा दोगे? हाँ तोड़ देंगे, नाप तोल के हिसाब से जब सब चीजों में बराबरी का बंटवारा होता है तो मंदिर का ही बंटवारा होगा। सुनिए भाई, हमारे गांव भले ही अलग हो जाए लेकिन हम भगवान की पूजा एक साथ करेंगे, हर साल उनकी झांकी निकालेंगे। ये हुई ना ट्विस्ट की बात, मंदिर को अपने गांव में रखकर भगवान हमारे हाथ में देना चाहते हो क्या? ऐसा नहीं चलेगा। राम जी आप लोगों के और सीता जी हमारी, आप उनकी पूजा करो, हम इनकी पूजा करेंगे। आप लोगों की हुंडी अलग और हमारी हुंडी अलग। ए सर्वेयर चल बना दे बीच में से लाइन, क्यों भैया? तब से ही भगवान का त्योहार तो आता है लेकिन शादी नहीं होती। सीताराम को मिलाने के बाद ही शादी होगी, ये ग्रामवासियों ने डिसाइड कर दिया है। सीता माता का मंगलसूत्र पिछले 14 सालों से वहीं लटक रहा है। कहाँ? कैमरा वहाँ घुमाओ, वो देखो 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 उस खंबे पे। हर बार की तरह इस बार भी साइकिल की प्रतियोगिता हो रही है, आस पास के 14 गाँव के प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। पिछले 4 सालों से विजेता रह चुके रमन इस बार भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। हेलो, हेलो हेलो, तुम अभी तक गए नहीं? मैंने बोला था ना चिपक गया तो छूटूंगा नहीं। इस बार सच में अपने घर वालों को बुला लूंगी। नहीं बुलाओगी, मुझे पता है। इतना भरोसा है? बहुत सारा। तुम सोचोगे नहीं ना? अरे काका, हाय काका जी, कैसे हैं? कौन है बेटी तुम? मैं हूँ काका जी लक्ष्मी। मैं दुर्गा प्रसाद जी की बेटी हूँ। याद है बचपन में आपसे हमेशा बनवाती थी। बेटी लक्ष्मी कैसी हो तुम? स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही मुझे शहर भेज दिया था। मेरे पापा मुझसे दूर नहीं रह पाए इसलिए दोबारा बुला लिया। तुम बिल्कुल नहीं बदली, वही लक्ष्मी वही बातें, जैसी तब थी वैसी आप हो। चलती हूँ काका जी, मंदिर जाना है। याद आया क्या? कुछ कुछ याद आ रहा है ना? बारिश बंद तो दारू भी उतर गई, दुकान तो चल रही है। अब याद आ गया, याद आने तक छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा सेटअप तो बहुत अच्छा है। कोई सेटअप वेटअप नहीं है, बाहर बारिश कितनी हो रही है। आधा घंटा हो चुका है। बारिश रुक गई है। तुम रुको, मैं देखता हूँ ना। ये क्या देखेगा? अरे बाप रे, बारिश तो सच में रुक गई। रुकी नहीं है बे, बहुत बारिश हो रही है। कह रहे हो? तो और क्या? अरे हाँ सच में, मेरा छाता कहाँ है? मेरा छाता, बारिश हो रही है। बोलो बोलो याद आया? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मिस्त्री का गोला याद है, उसे बेचने वाला नाना याद है, और कुछ याद नहीं है। क्यों परेशान कर रहे हो? अरे नहीं बाबा, बचपन की यादें तुम भूल गई क्या? यही पूछ रहा हूँ। गोदावरी का किनारा और किनारे पर एक पेड़, पेड़ के पीछे एक स्कूल। पेड़ के पीछे एक स्कूल? अभी भी याद नहीं आया। अरे वाह 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 वाह।
बाबा। बाबा 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 बाबा। अरे रुक रुक रुक। अब याद आया? दीदी 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 तुम यहाँ हो? साइकिल प्रतियोगिता में रमन ही जीता है। आओ ना दीदी, दीदी। आओ ना। ए, सुनो लक्ष्मी, अगर तुम्हें सब कुछ याद आ गया हो तो हम पहले जहाँ मिलकर एक साथ पढ़ते थे ना, वहीं पर आ जाना, ठीक है ना? इस बार भी हर बार की तरह रमन ही जीते हैं, लगातार पांचवी बार। आएगी क्या? नहीं आएगी? आएगी। अरे वो भानु, आज का वीर भानु है। तुमने मुझे कैसे पहचाना? उस दिन जब हॉस्टल से तुम यहाँ आई थी ना, उसी दिन मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुमने ही नहीं पहचाना, मैंने भी कुछ नहीं कहा। बताए बिना तुम्हें पटाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो पटी ही नहीं। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, उल्टा मैं खुश हो रहा था। मेले में जब तुमने हाथ में वो मिठाई की घड़ी बनवाई, तब समझा कि तुम्हें अभी तक बचपन की वो सारी बातें याद है। सब कुछ याद है। तुम भले ही उन बातों को भूल गए होगे, लेकिन उन सुनहरे पलों को मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। ये अब तक तुम्हारे पास है? बचपन के वो सारे खेल मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। लक्ष्मी जरा पीछे हटो। ये मिट्टी किस लिए? ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी में जान है। जरा सोचो, इस मिट्टी की वजह से तुम्हें सारी पुरानी बातें याद आ गई। बारिश में यह मिट्टी बह न जाए, इसलिए इसे रुमाल में बांध लिया। अगर ये तुम्हारे पास रहेगी तो मेरी धड़कन तुम्हें सुनाई देगी। सुनो, बात है, तेरे घर के सामने इतनी कारें खड़ी हैं, लगता है रमन जी आए हुए हैं। कल मिलते हैं। बाय बाय। तो समधी जी, लक्ष्मी पर बहुत जमेगी ये साड़ी, इसी ले लाई हूँ। देखो नाम लेते ही आ गई। मेरी ही बातें चल रही थी, है ना? ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, और तुम्हारी चाची कह रही नहीं अच्छा लगेगा। अब तुम बताओ, ऐसे देखने से कैसे पता चलेगा? मैं पहन कर आती हूँ, दीजिए। अब दहेज के बारे में भी बात कर ले तो ठीक रहेगा। अच्छा दहेज, तो फिर कितना दे रहे हो आप? आजकल के लड़के क्या सोचते हैं क्या पता, पता नहीं हम दे भी पाएंगे या नहीं। ये आपकी नई ट्रिक है क्या? हमारी रेट तो फिक्स्ड है, नो रिबेट नो डिस्काउंट। ओ, तो आप ऐसा सोच रहे हैं? और नहीं तो क्या, ये क्या शादी ऐसे फ्री में कर दूंगा मैं? क्या मजाक कर रहे हो भाई? भैया ये शादी लक्ष्मी को मंजूर है या नहीं एक बार पूछ लेते तो अच्छा होता। हमारे खानदान में कभी लड़कियों से पूछा गया है क्या? देखो माँ कैसी लग रही हूँ मैं, साड़ी अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। आजा बैठ जा, आजा, सच में बहुत अच्छी लग रही है। वाह, वो तो नई साड़ी में इसे देखने की मेरी बहुत इच्छा थी, वरना इसे देखने में नया क्या है? अरे वैसे तो ये पुरानी लक्ष्मी है, लेकिन बहू के रूप में नई लग रही है। बहू के रूप में? सुन लो संदी जी, दहेज वहेज नहीं दूंगा, ये कहकर अगर कोई ट्विस्ट दोगे तो अच्छा नहीं होगा। सब हो जाएगा। माँ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है लक्ष्मी को हम सबकी नजर लग गई है। लक्ष्मी क्या हुआ? वीर भानु कहाँ है? वो तो मंदिर में खाना खिला रहा है। सुनो भानु,
तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रुको, बाकी लोगों को खाना परोस कर आता हूं। बहुत जरूरी है। ए, जरा पकड़। क्या हुआ? अरे बोलो तो। बात क्या है? वो रमन अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आया है। तो फिर? ऐसे ही नहीं आया है, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर आया है शादी पक्की करने। मेरे घर वाले भी तुरंत मान गए और अब दहेज की बातें चल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है भानु, मुझे बहुत। ए, शादी ही तो पक्की की है ना, हुई तो नहीं है ना, इतना डर क्यों रही हो? शादियां तो मंडप में भी रुक जाती है। अगर वहां तक गए भी ना तो मेरे साथ पूरा गांव आ जाएगा, तुम्हारे साथ शादी की मांग करेंगे। क्या होगा इससे? 14 सालों से हमारी सीता माता को तुम्हारे गांव वाले नहीं ले जा पा रहे हैं, तो हमारी शादी होना भी इतना आसान नहीं होगा। नहीं नहीं, उसका इससे क्या संबंध है? तुम्हारे पापा को मनाऊंगा कहाँ ना मैंने? मेरे पापा के बारे में जानते क्या हो तुम? हमेशा अपने लोगों की ही बातें करते हैं वो, खुद के अलावा किसी की बात नहीं मानते, तो तुम्हारी क्या सुनेंगे वो? तुम्हारे तुम्हारे गांव का नाम सुनते ही गुस्से से भड़क उठते हैं, ऐसे में हमारी शादी के लिए कैसे राजी होंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये सब बातें सोचते हुए पागल हुई जा रही हूँ। अगर वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए भानु, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तू गधा ये तो पता था, लेकिन इतना बड़ा गधा ये नहीं पता था। ये क्या बात कर रहे हैं पापा? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? लक्ष्मी मुझसे प्यार करती है, मैं भी लक्ष्मी से प्यार करता हूँ, वो रमन इसको बीच में देखने आ गया, रमन से मेरी शादी हो गई तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कहकर इसने मुझे डरा दिया, इसलिए मैंने इसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। गलत क्या किया? प्यार करना कुछ गलत नहीं है, शादी करना भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसी शादी करना गलत है। उसके घर वालों को बिना बताए शादी कर लेना एकदम गलत। तो और क्या करता? मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, मेरी इससे शादी करवा दीजिए ऐसे गिड़गिड़ाता तो शादी कर देते। तो अब तू सोच रहा है कि वो लोग शादी के लिए राजी हो जाएंगे? और कोई चारा नहीं है, उन्हें राजी होना पड़ेगा। उस फैमिली के बारे में मैं जानता हूँ, आप छोड़ दो। क्या जानता है? पता है पापा। क्या पता है? वो एक बकवास फैमिली है पापा। बंद कर। तुझे पता है तू क्या कह रहा है? मैं बताता हूँ तुझे, दुर्गा प्रसाद लक्ष्मी के पापा हैं ये जानता है तू, लेकिन तेरी माँ के सगे भाई हैं ये जानता है तू? लक्ष्मी से शादी करने की तैयारी तो कर ली, लेकिन कभी सोचा कि इससे शादी की इजाजत इसके पापा तुझे देंगे? हमारे रिश्तेदार यहीं रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, जानता है क्यों? नाना जी, नानी जी, बड़े मामा, बड़ी मामी, छोटे मामा, छोटी मामी, ये कहकर कभी तूने पुकारा है? जानता है इन सब का कारण कौन है? मैं हूं बेटा। आज का ये सीताराम 25 सालों पहले वीरभानु था, दिखने में ही नहीं आदतों में भी तेरे जैसा ही था। मैं अच्छे खानदान में पैदा हुआ, पला बढ़ा, लेकिन नाटकों का भूत सवार था। एक बार श्री राम नवमी उत्सव पर हम सभी वेंकटपुरम आए थे, उस समय भी सबसे बड़ा घर तुम्हारे मामा जी का ही था। उन सब की प्यारी बहन थी तुम्हारी माँ, बहुत ही लाड़ प्यार से पली बढ़ी। अरे दुर्गा, लंका दहन का नाटक है, बहुत अच्छा होगा, देखकर चलते हैं ना। ये नाटक का क्या भूत है तुम्हें? मुझे मुंह पर रंग पोतने वाले पसंद नहीं, पता है ना तुम्हें, कोई नाटक वाटक नहीं, चलो चलो। मैंने भी कभी नाटक नहीं देखा भैया। क्यों माँ, तुम चुप नहीं बैठोगी ना? ठीक है बहन, जाओ लेकिन संभल के आ जाना। दादी माँ, थोड़ी देर सब्र कर। दादी माँ, नाटक भी देखने नहीं देती रजनी, इसे लेकर जा। आहा, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है, अंधेरा है। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा, डर नहीं लगेगा। जाओ
दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मुझे भी तो डर लग रहा है, जा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक को उजागर, राम दूता तुलित बल धामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। ए तुम्हें मजाक लग रहा है? श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मैं जब भी हनुमान का रोल करता हूँ तो कुत्ते ऐसे मेरे पीछे पड़ जाते हैं। सीताराम जल्दी आ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये तुम्हारी हिम्मत, हमें देखकर तुम्हें भय नहीं होता? भय और हमें, हम अतुलित बल संपन्न है और अति पराक्रमशाली है। अरे कहाँ ले जा रही हूँ माँ? वाह वाह वाह, क्या तेजस्वी रूप है, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात स्वयं रामचंद्र जी बैठे हैं। स्वामी आज आप सभी हमारे घर भोजन के लिए आइएगा। सबरी बुलाएगी तो अवश्य आएंगे। आइए, ये घर अद्भुत है। आहा, घर का भोजन तो अद्भुत है, परोसना है। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? भोजन के लिए बुलाया है तो मैं। बुलाया तो कहीं भी बैठ करके खाने लगोगे क्या? सब लोग नीचे बैठे हैं, दिखाई नहीं देता? सीताराम जी यहाँ बैठिए। के लिए कुछ और लेके आओ। चले गए, दोबारा कब आएंगे? अगले श्री राम नवमी उत्सव पर ही आएंगे। मतलब अगले साल? सुनिए, आपके साथ एक और थे ना, वो नहीं आए? कौन से वाले? घुंघराले बाल वाले, गोरे से जो थे। ओ सुदेश जी ना। हाँ। उन्होंने नाटक करना छोड़ दिया बहन। प्रतीत होता है हमें देखने आई हैं। कब से हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं? पूरे एक साल से। उस दिन से तुम्हारी माँ नाटक के बजाय मुझे देखने ज्यादा आया करती थी। उस श्री राम उत्सव में हम बहुत ही नजदीक आ गए थे, हमारी पहचान प्यार में बदल गई। मुंह बंद कर। अरे दुर्गा जवान, तुम्हारी इतनी हिम्मत उठाएगा? क्या बोल रही हो तुम? मैं इसे घर भी नहीं बुलाना चाहता था और तू इसे घर का दामाद बनाना चाहती है? जरा मेरी बात भी कोई सुनिए। क्या सुने तेरी है? तेरी औकात की मुझसे बराबरी करे? गांव गांव नाटक करके पेट भरने वाला भिखारी मेरी बहन से शादी करेगा? नाटक नाम के भूत और अभिनय के अलावा मेरी भी औकात है जी, हमारी भी जायदाद है, मेरा भी बहुत बड़ा घर है। लेकिन इसने मुझसे कुछ पूछा नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार किया, बस वही मुझे पसंद आया। बताया जी, घर में बिना बताए शादी नहीं करनी मुझे बताया, आप सभी के सामने शादी होनी है ये भी बताया, इसलिए चाहे जो हो सब कुछ सोच समझ कर ही आया हूँ जी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब ये मेरे पति हैं। पति है? मंगलसूत्र पहनते ही पल भर में इतनी बदल गई तुम? सीने से लगाकर पाला था तुम्हें, बहुत अच्छी सीख दी है तुमने। हम सब की बेइज्जती करके सबके सामने शादी कर ली, शादी हो गई ना? जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। चुप, बीच में कोई बोलेगा तो काट डालूंगा। जाओ, चलो अपने घर चलते हैं। देख लिया? अरे चलो चलो, अरे जल्दी करो जल्दी। अरे सीताराम चलना नहीं है क्या, जल्दी करो। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सुनिए जी, हम इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। उनकी बात का मैंने जवाब दिया, इसलिए मेरे भैया हमसे नाराज हो गए, वरना मुझसे वो दूर नहीं रह सकते। किसी ना किसी दिन वो हमें लेकर जाएंगे, मुझे भरोसा है, और तब तक हम इसी गाँव में ही रहते हैं जी। तुम्हारी माँ की इच्छा सुनकर अपने शौक नाटक को छोड़कर इसी गांव में बस गया मैं। और कुछ दिनों बाद तुम अपनी माँ के पेट में आ गए। एक दिन घनघोर बारिश हुई और तुम्हारी माँ को अचानक प्रसव दर्द शुरू हो गया। सुनिए
जी, सुनिए जी। क्या हुआ रजनी? सुनिए ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पास की चाची को एक बार बुला लीजिए ना। अब कैसे रजनी, गली के सभी लोग मंदिर के जागरण पर गए हैं, डॉक्टर ने तो सुबह बुलाया है, थोड़ा दर्द सह लो। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी को बुला लीजिए। तुम पहले लेट जाओ, लेटो लेटो। देखो मैं जाकर देख के आता हूँ, घबराना मत, अभी आता हूँ। सुनिए अनुराधा चाची, बाप रे। सुनिए जी। चाची जी, अमला जी, कोई नहीं है क्या? सुनिए जी, मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा है, किसी को बुला लीजिए। अभी आता हूँ, बस अभी आता हूँ, आता हूँ मैं। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मेरी पत्नी पेट से दर्द से चिल्ला रही है, जरा चल कर देखिए ना। सुनिए जी, मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा है। आ गया मैं, देखिए दादी माँ। अरे रे, प्रसव समय हो गया है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? बहुत से लोग। कोई नहीं है दादी। हे भगवान, समय बहुत नजदीक आ गया है, तुम बाहर जाओ बेटा, मैं देख लूंगी। सुनिए जी, आप मत जाइए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मर्दों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मेरी बात मानो बेटा, तुम बाहर जाओ, मैं देख लूंगी। इसे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, तू जा बेटा बाहर जाओ, मैं देख लूंगी। मेरी पत्नी को बचा लीजिए, सब्र कर, कुछ नहीं होगा तुझे। बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। जोर लगा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। जोर लगा, हाँ, और जोर लगा, हाँ, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा दर्द होगा बेटी, दर्द सहन कर ले। जोर लगा बेटा, जोर लगा, कुछ नहीं होगा, हाँ, थोड़ा सा सहन कर ले बेटी, थोड़ा सा सहन कर ले। सुनिए जी, और जोर लगा। लड़का हुआ है बेटा, बेचारी को बहुत परेशानी हुई, दुश्मनों पर भी ऐसी मुसीबत ना आए बेटा। हमने गलती कर दी रजनी। ये क्या कह रहे हैं जी? इतने बड़े घर में तुम्हारी चाचियां, भाभियां, माँ, सभी के सामने पैदा होने वाला बच्चा ऐसे अनाथों की तरह पैदा हुआ है। किस बात का डर है जी? कुछ हुआ तो नहीं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हुआ नहीं, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो कितनी बड़ी गलती कर दी, अब समझ में आ रहा है। प्यार करने की कई कोशिशें की, लेकिन बड़ों को मनाने की एक भी कोशिश की हमने, शादी में जल्दबाजी की, उस जल्दबाजी का सबक ऐसे भोगना पड़ेगा सोचा भी नहीं था। ऐसी स्थिति कभी हमारे बच्चे पर नहीं आनी चाहिए। इतने लोग होते हुए भी अनाथों की तरह इस गांव में ही रह गए। हमने जो खोया था उसे तुम्हें पाना है। हाँ। एक बात कहूं बेटा, मैं चाहता हूं लक्ष्मी जब इस घर में आए तो अपने पूरे परिवार की मर्जी से आए। इतने दिन तक मैं समझता था कि हमारा छोटा परिवार है, लेकिन अब पता चला कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। आपकी शादी में आपने जो गलत कदम उठाया वो मैं नहीं उठाऊंगा, सभी को मना कर ही उस घर का दामाद बनूंगा। मेरे घर वाले नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे, बदलने तक इंतजार करेंगे। हाँ बेटी, इन दो परिवारों को मिलाने के लिए क्या करना है वो मैं बताऊंगा, तब तक ये बात किसी को पता ना चले वो ही बेहतर है। बेटा संभाल कर इसे इसके घर तक पहुंचा दे, जाओ बेटी। सब लोगों के जाने की टिकट मैंने बुक करा दी है भैया। 10 चादरें मैंने रख ली हैं। क्यों बेटी, कुछ चाहिए क्या? अरे वीर, अरे सुनिए यार वीर। आ रहा हूँ। क्या हुआ? कल रात को लक्ष्मी और उसकी पूरी फैमिली अन्नावरम चली गई। किस लिए? बात तो पता नहीं है लेकिन कुछ तो सीरियस है। ए!
पापा, पापा। से ये क्या प्रॉब्लम है? लक्ष्मी की सारी फैमिली अन्नावरम चली गई है, पता नहीं क्यों। ओ ऐसा क्या, राजनगर की बस छूट गई होगी इसलिए ऐसा हुआ होगा। जोक था ये? और नहीं तो क्या, अन्नावरम में ब्रह्मोत्सव चल रहा है, फैमिली के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए गई होगी। अब तो जाए यहाँ से। मैं किस लिए जाऊँ? किस लिए? प्रसाद ब्लैक में बेचने के लिए। ओहो, एकदम बैंगन है। उन लोगों का दिल जीतना है ना तुझे, इससे अच्छा कोई मौका मिलेगा क्या? जाकर अपने टैलेंट को प्रूफ कर दे। अपना सारा सामान उतर गया ना? हाँ, सभी लोग आ गए ना? ठीक है। माता जी कहाँ? मैं यहाँ हूँ, कोई आकर इस लोटे को पकड़ो तो जरा। तुम जाओ। गिराए बिना पकड़ लेगा? हाँ दादी, दो तो। हे भगवान। खुश रहो बेटा। बैंगन? संभल कर। ये लीजिए। ठीक समय पर आकर पकड़ लिया बेटा। तुम किस गांव के हो? मैं भी आपके ही गांव का हूँ दादी माँ। अच्छा? हाँ। क्यों बेटा, हमारे गांव के हो? तू ठीक से संभाल ले सकती? कभी देखा नहीं, किसके बेटे हो तुम? सुभाष जी का बेटा हूँ जी। सुभाष जी मतलब दुबई वाले सुभाष जी? हाँ वही वही। आप मेरे पापा को जानते हैं क्या? बहुत पहले एक बार मिला था। तो ठीक है, आइए आइए ऊपर चलते हैं, आइए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अन्नावरम शहर को मैं अच्छे से जानता हूँ, चलिए चलिए आइए आइए। अरे आओ, ये इस तरह आगे क्यों जा रहा है? कोई ऑफिसर होगा। आगे कहाँ जा रहा है, चल पीछे पीछे जा। अरे कोई इंसानियत है कि नहीं यहाँ पर? ऐसे ही है सर, आपको रूम चाहिए ना, वो पैसे मुझे दीजिए, मैं देख लेता हूँ। दो मिनट में आया, दो मिनट में आता हूँ। चलो चलो हटो हटो। अरे चलो हटो हटो। अरे हटो, साहब को आने दो, साहब को आने दो। हाँ साहब के लिए 10 रूम। साहब मतलब कोई मंत्री है क्या? हाँ वीर भानु साहब। अच्छा। मैं ही हूँ, थैंक यू। अरे लेके आया, क्या बात है, आपकी रसीद बहुत बढ़िया। सरोजा माजी कहाँ है? अरे यहीं पर तो थी। अरे उधर ढूंढो, कहाँ चली गई? अरे बाप रे, अरे दादी माँ, ध्यान रखा करो, ये बुढ़िया बिना एक जगह टिकती नहीं है। तुम जा करके माइक पे अनाउंस करो। सुनिए सुनिए, यहाँ माइक भी बहुत दूर है। तो फिर चलो ऐसे ही ढूंढते हैं। अरे तब तो आप सारे 20 लोग गुम हो जाएंगे, अन्नावरम में ये सब होता रहता है। आप परेशान मत होइए, मैं अभी लेकर आता हूँ। दादी माँ, दादी माँ। इस घड़ी का नाम है सनडायल, देखा आपने? आप अपनी घड़ी का टाइम और सनडायल का टाइम देख लीजिए, एक ही मिलेगा। दादी माँ समझे आप? ओ टोपी वाले, ये क्या है फिर से बताओ। धूप से समय पता लगाना। सूरज छुपने के बाद तो पूरब की तरफ देखे नमस्कार कर लो। मैं यहाँ बेकार के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। बताना है तो जाओ। आप यहाँ खड़ी हैं, वो लोग आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? क्यों? आप खो गई है ये सोचकर? मैं कोई बच्ची हूँ जो खो जाऊंगी? मैं यहाँ आँख बंद करके भी कहीं से भी वापस आ सकती हूँ। चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो, यहाँ से चलते। अरे कहाँ जा रहा है? धर्मशाला की तरफ। वहाँ से धर्मशाला नहीं पहुँचेगा, पंपा में गिरकर सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। चल धर्मशाला में लेकर चलती हूँ। आइए दादी माँ, वो देखो सब लोग। कहाँ चले गई थी, टाइम बर्बाद कर दिया। भैया आप इसका ध्यान रखो, कहीं भी क्या मजाक कर रहा है तू भी? अरे बेटा तुम भी हमारे साथ चलो ना, साथ में दर्शन करेंगे। अरे आप बुला रहे तो मैं जरूर आऊंगा। मैं तो भूल गया। क्या कर रहे हो आजकल? तुम्हारे पापा क्या करते हैं, कभी मिला उनसे? अरे आप कहाँ जा रही हो तुम? टकला कराने की टिकट लेने। टकला? किसको करना है? तुम सभी को। हाँ? भाग गए सब। ए बेटा तू तो करा ले। हे भगवान। साहब जी। हाँ? मैं यही रुक जाता हूँ। क्यों? मेरा भांजा चिन्नू आ रहा है ना, अन्नावरम में उसकी शादी है। अन्नावरम में उसकी शादी है और अब तक नहीं आया? अब तक तो आ जाना चाहिए था, शायद फ्लाइट लेट हो गई होगी। फ्लाइट से? क्या बात है, बहुत पैसे वाला है मालिक। अच्छा? करोड़ों रुपए कमाया उसने। अच्छा? अमेरिका से आ रहा है वो। कैसे हो मामा जी? ठीक हूँ, यात्रा ठीक रही ना? सब कुछ ठीक है, हमेशा इसे नहीं खोलना चाहिए, जरूरत हो तभी खोलना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करो। अन्नावरम में कुछ भी नहीं बदला। हाँ भांजे, वो ही सत्यनारायण स्वामी। भांजे यही शादी की तैयारियां करवा रहा है। नाम है कैलाश। नमस्ते सर। आई एम चिन्नू। चिन्नू मतलब मुझे लगा सिर्फ नाम ही होगा, पर आप तो साइज में भी। सी सर, दिस इज मैरिज मेन्यू। नंबर 1, माला की शादी, मंदिर में माला पहना दो, शादी हो जाएगी। गुलाब की माला तो 5,000, मिक्स माला होगी तो 2,000। नंबर 2, रिंग की शादी, रिंग पहना दो तो काफी हो जाता है, गोल्ड रिंग तो 30,000, डायमंड रिंग 50,000। रिंग की शादी, माला की शादी नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो 5 दिन वाली शादी करनी है, अद्भुत शादी जो सारी जिंदगी याद रहे। देखने वालों को या करने वाले को? दोनों को। 5 दिन की शादी में तो बहुत खर्चा हो जाएगा सर। खर्च होने दो, तुम्हारे क्यों फट रही है,
तुम्हें लगता होगा उन सूटकेस में कपड़े हैं, नहीं करेंसी कड़क ये बच्चा बकरा। हाँ जी, हाँ भांजे। मेरी शादी में सभी रिश्तेदारों को बुलाइए, उनके भी रिश्तेदारों को बुलाइए, उनके उनके रिश्तेदारों को भी बुलाइए। लोगों को बुलाने में वेडिंग कार्ड कम पड़ जाएंगे। ओल्ड वेडिंग कार्ड्स नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। टीवी में एड दीजिए, फेसबुक पे पेज बनाइए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। भांजे शादी से पहले लड़की तुम्हें देखना चाहती है? नो 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 चांस। अब मैं लड़की को देखूं या लड़की मुझे देखे, ये सब कुछ मंडप में होगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग स्वामी जी को नमस्कार करेंगे। पत्नियां अपने पति के बाईं ओर बैठेंगी। सभी खड़े होकर प्रत्यक्ष नमस्कार कीजिए। दाईं ओर तीन बार घूमिए। ओ मधुबाला, ये क्या कर डाला मुझको, तू लागे फूलों की माला, दिल तुझ पे हारे ये कन्हैया लाला।
मेरे इतने सारे रिश्तेदार अभी तक ये जिंदा है। सीनू और कोई नहीं है, हमारे मामा जी के भाई के दोस्त की बहन का बेटा है। भतीजे के मामा के साले के बुआ कलर का है। सारे रिश्तेदार आने लगे भांजे। चलो चलो सबको गेस्ट हाउस दिखा दो। बस में जितने भी मेहमान आ रहे हैं सबको गेस्ट हाउस ले जाओ। चिन्नू, 5 दिन की शादी तो हमारे समय में हुआ करती थी और आज तुम कर रहे हो, अपने खानदान का नाम ऊंचा कर रहे हो। आज खूब जम के खाना। सर, लेडीज के कपड़े कला मंदिर से खरीदने हैं ना? कला मंदिर क्या, बिरला मंदिर, वेंकटगिरी, कांचीपुरम, सभी जगहों से लेकर के आ जाओ। मर्दों के लिए सियाराम, बॉम्बे डाइंग, ग्वालियर, सभी जगह से कपड़े लाओ। अंदर जाओ। अगर फिर भी कपड़े कम पड़ गए तो क्या करूं? जहां से जो भी मिलता है मैनेज करो, जाओ। अरे भांजे, रिश्तेदार ठंडा पानी मांग रहे हैं। गर्मी हो रही तो ठंडा पानी क्यों, सबके लिए चिल बियर की बोतल बनाओ। कॉमन सेंस भी नहीं है केरे, 2 ही दिन में इतना डेवलपमेंट कर लिया। अरे रुकिए सर, इधर नहीं उधर जाना है, मैं आ रहा हूँ बताना। भैया खाना खाकर घर के लिए निकले। आज नरसिंह के भांजे की शादी, अटेंड करके कल निकलेंगे। ले जाएंगे दिल वाले। हाथी की सवारी तैयार है ना? नहीं सर, पैसे कम पड़ गए। लेकिन ऊँट तो आया था ना? ऊँट की तबीयत खराब थी सर। अरे भाई, तो क्या शादी के मंडप तक बस से जाऊंगा मैं? कोई भीड़ नहीं थी इसलिए बस वापस भेज दी। सर्विस ऑटो से चलते हैं। You brainless fellow, what are you talking? एक मिलेनियर हूँ, ऑटो से जाने की बात कर रहा है, मेरी कारें कहाँ हैं? होटल बिल के बदले उन्हें जमा करना पड़ा। बाप रे, ATM कार्ड्स दिए थे, उसका क्या हुआ? कार्ड डालो तो कैश नहीं निकल रहा है सर, सिर्फ रिसीट आ रही है, नील बैलेंस। ऑटो ऑटो, ये क्या मामा, सारी कुर्सियाँ खाली क्यों हैं? सभी रिश्तेदार पी के टल्ली हो चुके हैं मांझे। लेकिन पंडित जी तो होश में है ना? वो देखो वहाँ खड़े हैं। मैं हूँ पालकाट का भैरव, आइए। ये देखने में तो डफर लग रहा है। नमस्ते पंडित जी। बैठो, तुम्हें वो दूल्हे राजा? हाँ सर। तो ये बैंड वालों की तरह टोपी क्यों पहन रखी है, निकालो। ओ, दिल्ली एयरपोर्ट है, ठीक है पहन लो। ये लो, ये अग्नि को स्वाहा करो। ओम जुम्माने झुंझुन कल्याणी सदस्य नटेश्वरी लंबोदरी ताल कटानी टकलेश विवाहितम। ये कौन सा मंत्र है, कभी सुना नहीं। तुम्हें मंत्र याद करना है कि शादी करनी है? शादी तो करनी है। तो मैं जो कहता हूँ वही सुनो। है? वही सुनो। अच्छा वही। मिड़ियाली मरियाली कटरा वाली घड़ियाली, 1011 रुपए वहाँ रखो। चिल्लर नहीं है सर, लास्ट में देख लेंगे। हेलो, पाल काट भैरव स्पीकिंग। ओ बोमनी रानी, कहाँ से स्पीकिंग? ओ स्मशान से स्पीकिंग, कार्यक्रम कराना है। यू डोंट वरी, मैं यहाँ सेलफोन में बोलता हूँ, तुम वहाँ शमशान में करीता। पंडित जी, यहाँ मेरी शादी करवा रहे हैं या शमशान में पिंडदान करवा रहे हैं? इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। तुम भगवान के नाम पे घी डालो, तुम शमशान में गंगा जल डालो, उसके बाद पिंडों की रंगोली बनाकर बीच में एक नींबू रखना। पिंड कहाँ है? तुमको नहीं, उनको। ओम काली महाकाली काली मुर्गी लाओ। हाँ, मुर्गी किस लिए? उसकी पकौड़ी बनाने के लिए। तुम्हारे लिए नहीं बोला, शमशान वाले के लिए। तुम इसे पकड़ो। बमन जी, मेरी बात सुनो, मुर्गी को रंगोली पर बिठाओ। बिठाया ना, उसके ऊपर 3 बार नींबू घुमाओ। कर दिया। अब गर्दन पकड़ कर मरोड़ दो। मुझे शादी नहीं करनी है, विधि विधान से शादी करना चाहते हो, मुर्गी पकड़ो, उसकी गर्दन मरोड़ दो। क्या कर रहे हैं पंडित जी, या तो शादी करवा लीजिए या तो क्रियाक्रम करवा लीजिए। मैं शादी नहीं करूंगा। अरे नहीं, नहीं पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, दोनों काम करा लीजिए। पहले पैसे बाहर निकालो। चिल्लर नहीं है, लास्ट में देख लेंगे। ओम हट स्वाहा, हट स्वाहा। नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज नहीं हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ बे। मंत्र पढ़ो। ओम महेश भक्तम राम कुपालम राम प्रिय दर्शनम, ओम जॉनी लीवरम राजपालम महमूदम जूनियर महमूदम देवी टुनटुनम राजेंद्र कुमारम जॉनी वाकरम, ओम जुम्माली झुंझुन कल्याणी ताल कटानी टकलेश विवाहितम। अब हाथ में जल लेकर संकल्प करो। ओ नीचे से नहीं, ऊपर से। ऊपर से आप सामने से हटोगे, मैं उन्हें देख लूं। हट गए। इससे अच्छा तो ये पंडित ही है। अब शादी संपन्न हो गई। कल्याणी माता वरपानी, लंगूर जैसा चेहरा है इसका, बंदर कहेंगे। आइए सब आइए। ओम लंगूरम समर्पणम अंगूरम व्यर्थम। कितना रोमांटिक लगता है। चल 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 च
हेलो एक्सक्यूज मी, इधर आना तो जी मैं आओ ना। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, 50 की उम्र में शादी कर रहा हूँ, मेरी शादी को बर्बाद मत करो यार, तुम जाओ यहाँ से जाओ। अरे रे कहाँ जा रहे हो? चिन्नारा मैं चलता हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर जोड़ी लग रही है तुम्हारी। ठीक है ठीक है, तुमको भी जाना है? जाओ। जब देखो जाने के लिए तैयार रहती। अरे बैठना। ओम संताराम हंताराम भरताराम। हाँ वोमन रानी। हाँ वोमन जी, क्रियाकर्म हो गया। हाँ अकाउंट में पैसे डाल दो। डाल दिया। ओके। हाँ 11,011 निकालो। चिल्लर नहीं, आखिरी में देख लेंगे। ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? मंगलसूत्र पहना दूं क्या? हैं? ये वाला इधर लाओ। ये पहना दो। ये वाला? लेकिन सर उसका क्या? ये मेरे लिए है और ये उनके लिए। तेरी सॉरी, मेरी किस्मत। ओम मंगलसूत्रम कलासूत्रम शुभमस्तु। एक दिन की शादी के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। 5 दिन की शादी करनी है तुम्हें? कभी अपनी शक्ल आईने में देखिए, लंगूर की तरह दिखते हो। बस कीजिए सर, इतना डांट क्यों रहे हैं? ओके, दूल्हा दुल्हन को इस पाल काट भैरव की तरफ से प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। वो देंगे क्या? नहीं, ये दूंगा। ये किस लिए? लेके जा। अरे समधी जी। समधी जी भी आए हैं क्या? समधी जी, अन्नावरम कहा होता तो सभी लोग मिलके आते ना। अचानक प्रोग्राम बना, माँ की जिद थे ना। बहुत अच्छे से हुए। ये यहाँ क्या कर रहा है? अपने ही गांव का है, दुबई वाले सुभाष जी का बेटा है, बहुत सहायता की इसने। दुबई के सुभाष का बेटा? ये किसने कहा आपको? ये वेंकटपुरम के सीताराम का बेटा है। अपने बाप के साथ मेरी मिल में कई बार धान कुटवाने आ चुका है। बेटी रजनी का बेटा, मतलब मेरा नाती। हाँ नानी जी। मत बोलना अपने मुंह से नानी, रिश्तेदारी दिखाई तो काट डालूंगा। जाए यहाँ से। मामा जी। कहाँ का मामा? जाए यहाँ से। मामा जी मेरी बात तो सुनिए। मामा जी कोई नहीं है तेरा यहाँ, जा। बदतमीज कहीं। भैया आप हट जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है तू? तेरी औकात क्या है हमारे सामने? बोल। और मार, मार इसको। ये ड्रामा करने के लिए तेरे बाप ने बोला था ना? अब दोबारा तू या तेरा बाप मेरी फैमिली के सामने आया तो काट डालूंगा, समझा तू? धोखेबाज कहीं का। इनकी फैमिली में हमारी जानकारी के बाहर बहुत कुछ हो रहा है। अगर हमें गांव में पॉलिटिक्स करनी है तो इनका फैमिली बैकग्राउंड हमारे बहुत काम आएगा। वापस लौट के फौरन सगाई नहीं की ना तो हमें परेशानी हो जाएगी। वो वहाँ पे आया कैसे? इतने दिनों तक हम उसे पहचान नहीं पाए। वो अन्नावरम कैसे पहुँचा? इस घर में कुछ तो हो रहा है जो मुझे पता नहीं है। देखो मैं सभी को चेतावनी देता हूँ, अगर वो इस दहलीज पे आया या उससे किसी ने बात की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अरे लक्ष्मी, तुम इतनी रात को यहाँ आओ अंदर आओ। अरे क्या हुआ? बात क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वहां नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। भाग चले यहाँ से। हाँ? यही चाह रही हो ना तुम? तुम्हें मंगलसूत्र पहना है तो तुम्हें भगा कर ले जाना, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लक्ष्मी भाग गई ये बात पूरे गांव को पता चल जाएगी, उसके बाद तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे, मुझे उसका भी डर नहीं है। लेकिन अगर वो मर गए तो? तुम उनके बारे में इतना सोच रहे हो लेकिन वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ऐसा तुम सोच रही हो? उनके साथ जो वो मेरे साथ ना हो, ये मेरे पापा चाहते हैं। हमारी शादी में सभी को राजी होना है, सभी को हाजिर भी रहना है। ये बात कोई समाज या बदले के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने संस्कार की वजह से ही रुक रहा हूँ। इज्जत से तुम्हारे घर में कदम रखूंगा, ऐसा वादा किया है मैंने अपने पापा से। जब तक मुझ में जान है तब तक तुम्हारे गले में कोई और मंगलसूत्र नहीं पड़ने दूंगा, ये वादा करता हूँ तुमसे। रात बहुत हो चुकी है, ऐसे में किसी तीसरे का देखना ठीक नहीं होगा। चलो लक्ष्मी। लक्ष्मी जल्दी से तैयार हो जाओ, सभी लोग आने वाले हैं। क्या बात है माँ, ये साड़ी किस लिए? बेकार के सवाल किए बगैर जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत सारे काम पड़े हैं मुझे। दीदी पंडित जी आए हैं, पान और सुपारी कहाँ रखी है? मंदिर में मूर्ति के पास रखी है, वहीं से जाकर ले लो। है। बताओ ना माँ बात क्या है? रात को रमन के पापा ने फोन किया था, उन्होंने कहा कि रमन शादी के लिए जल्दी कर रहा है, आज का दिन बहुत शुभ है, तुरंत सगाई करने के लिए कहा है। पापा ने भी हाँ कह दी है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। किससे पूछकर हाँ कहा माँ?
अरे ये तो पहले से ही तय किया हुआ रिश्ता है ना? मुझसे पूछा क्या? सावित्री, लक्ष्मी अभी तक तैयार नहीं हुई, लोग आने वाले हैं, क्या कर रही हो तुम? तैयार, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊंगी, आप जाओ, जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। हमारी शादी में सभी को राजी होना है, सभी को आना होगा। अगर वो इस दहलीज पे आया या उससे किसी ने बात की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। लक्ष्मी बेटा, दरवाजा खोलो। तैयार हो गए कि नहीं तुम? तैयार हो गई ना, सुंदर लग रही हो। चलो चलो जल्दी चलो, वो लोग आ गए। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धस्वा, स्वस्ति नो उषा विश्ववेदा विक्रम संवत 2071 के श्रावण मास की चतुर्थी को शुक्रवार के दिन सुबह 2:30 पर जे दुर्गा प्रसाद जी की इकलौती सुपुत्री सौभाग्यवती लक्ष्मी के साथ रघुनाथ जी के इकलौते पुत्र चिरंजीवी रमन का विवाह कराने का उत्तम मुहूर्त तय किया है। अब वर पक्ष और कन्या पक्ष अपनी अपनी थालियां बदले, भगवान के समक्ष आप दोनों साक्षी है। स्वस्ति नो इंद्रो जी, अब वो रिश्ता परमानेंट। आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मेरी शादी वीर भानु के साथ पहले ही हो गई है, दोनों परिवारों के झगड़े की वजह से। ये बात मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताई। जल्द ही मेरे घर वालों को मनाकर मेरे पति मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इसी दौरान हमारी सगाई तय हो गई। मैंने पहले ये बात आपको नहीं बताई, ये मेरी गलती थी। अगर ये बात घर वालों को पता चले तो वो मुझे मार डालेंगे। आप ही कोई बहाना बनाकर शादी से इनकार कर दीजिए। मुझे सब पता है। वीर भानु ने मंदिर में जब तुझे मंगलसूत्र पहनाया ना, तूने सोचा वो किसी ने नहीं देखा होगा, पर मैंने देखा है। प्रत्यक्ष साक्षी हूँ मैं। तो ये जानते हुए भी आप? तू मेरी पत्नी है, बीच में अगर कोई भी आया ना तो उसे काट कर फेंक दूंगा मैं। अलग अलग भले ही रहे पर हम पति पत्नी। क्या तू बकवास कर रही है? मार डालूंगा उसे। सगाई हो चुकी है अपनी, अब तू सिर्फ मेरी पत्नी है। बहुत जल्द हमारी शादी होगी, समझे? बाकी सब भूल जा तू, वरना मार डालूंगा। अगर इस बीच कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तेरी फैमिली को बेइज्जत कर दूंगा, याद रखना। उस रमन को मैं मार डालूंगा उसे। वीर, उससे पे काबू कर। असल में उसे नहीं, आपके भैया खुद को समझते क्या है? उस दिन आपकी बात पर और आज मेरी लक्ष्मी की बात पर हमेशा उनका ही राज चलेगा क्या? क्या समझते है खुद को? सुन वीर, गुस्सा थूक दे, मेरी बात मान। तुम लोग मेरे हो, मैं जाऊंगा वहां, मैं बात करूंगा उनसे। क्या बात करोगे आप? 25 सालों से आप रहा देख रहे हो, क्या हुआ पापा? फिर सब कुछ वैसा ही होगा, जाकर बात नहीं करेंगे तो शादी भी हो जाएगी। लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी, अरे बाप रे, ये मुंह से क्या निकल रहा है? अरे बाप रे, सावित्री रानी सब के सब कहा हो? जल्दी आ जाओ, देखो हमारी बेटी को क्या हुआ है। लक्ष्मी बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ लक्ष्मी, क्या हुआ? आराम से उठो। अरे लक्ष्मी, क्या हो गया? अरे अरे, इधर इधर करो ना। मेरी बेटी को क्या हुआ? क्या पागलपंती कर रही है ये? ये लो और दो। पियो बेटी, पियो।
क्या है? क्या है बेटा ये? मुझे एक मौका तो दे, आखिरी बार जाकर बात करना चाहता हूँ। हमारा खून का रिश्ता है, मुंह नहीं मोड़ सकते वो लोग। भले ही मेरी जान चली जाए, हाँ कहलवा कर ही रहूंगा। तब तक तू यहाँ से हिलेगा भी नहीं। पापा, नहीं हिलेगा तू, मेरी कसम है तुझे। साल पहले जो मुझसे गलती हुई उसके बारे में बात करने नहीं आया। हमारे दोनों बच्चे रिश्ता जाने बिना प्यार कर बैठे हैं। हम लोगों को बताए बिना उन बच्चों ने जल्दबाजी में शादी कर ली, ये बहुत गलत किया। लेकिन दोनों मासूम हैं। मैं उनकी खुशियां मांगता हूं आपसे भाई साहब। अरे मत मारो, ये हमारे घर का दामाद है। मारो उसे। छोड़ो, तुम मुंह बंद करो। इसे तो उसी दिन काट डालना चाहिए था। अगर तू उस दिन नहीं आया होता तो मेरी बहन मेरी मर्जी से शादी करके आज खुश होती। उसे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। आज वो गलती नहीं दोहराऊंगा। मेरी दहलीज में कदम रखा तो नहीं भैया? अगर दोबारा तूने और तेरे बेटे ने यहां पे कदम रखा तो काट के फेंक दूंगा। तो जी इतनी देर हो गई? भैया के घर गए थे ना, कुछ तो बोलिए। हाँ, ये चोट कैसे लगी आपको? वो आते समय नीचे गिर गया था। लक्ष्मी के बारे में क्या बात हुई? हाँ, मैंने बात कर ली है। भूख लग रही है, खाना लगा दो। हे भगवान, मैं भी ना, मैं तो पूछना ही भूल गई थी। आइए मैं खाना लगाती हूँ। आप किरा देखते देखते वही सो गया। आवाज होने से उसकी नींद टूट जाएगी। मैं यहीं बाहर बैठकर खाना खा लेता हूँ। इसे तो उसी दिन काट डालना चाहिए था। अगर तू उस दिन नहीं आया होता तो मेरी बहन मेरी मर्जी से शादी करके आज खुश होती। तुझे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या हुआ जी? पता नहीं क्यों इच्छा नहीं हो रही। भैया ने कुछ कह दिया क्या? मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है। ऐसे भैया ने कहा क्या? ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे लग रहा है अगर मैंने तुम्हें देखा ना होता और हम दोनों के बीच ये प्यार और शादी ना होती तो एक अच्छे खानदान में तुम्हारी शादी हो गई होती और तुम अपने स्वर्ग जैसे संसार में हंसी खुशी रह रही होती। जी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है? शादी के बाद आपने मेरा कितना ख्याल रखा है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? आप बाप बेटे तो लगते ही नहीं हो, भाई भाई जैसे लगते हो।
आप अपने को मेरा बड़ा बेटा कहकर चिढ़ाते हो ना, तब मुझे कितनी खुशी होती है पता है आपको? जी जी, आप भी बच्चों की तरह ना, चुप हो जाइए। तो फिर इतने प्यार से पले बढ़े अपने बच्चे के साथ वैसा नहीं होना चाहिए। उसे उसी घर का दामाद बनना होगा। जो प्यार तुम्हारे घर से मुझे नहीं मिला वो उसे मिलना चाहिए। उसकी खुशियों का आनंद तुम्हारे चेहरे पर देखना है मुझे। देखिए जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा जरूर होगा। मुझे मेरे वीर पर पूरा भरोसा है। आप बेफिक्र होकर सो जाइए। मैं यहीं सो जाता हूँ। ठीक है। अरे वीर भानु, पापा अपमान नहीं सह पाए इसीलिए अपनी जान दे दिए। जब तुम्हारे पापा लक्ष्मी के घर पर गए थे तब उन लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा था। अपने घर के नौकरों से भी इन्हें पिटवाया था। मार डालो मेरे पापा को। मेरे पापा मर गए। नहीं पापा, क्या कहा था? मेरे पापा की वजह से मेरी माँ को परेशानियां हुई। शादी के इतने सालों बाद भी मेरी माँ ने तुम लोगों के सामने आकर कोई परेशानी जताई क्या? फूलों सा संभाल कर रखा था मेरे पापा ने, मुझे और मेरी माँ को सर पे बिठा कर रखा था। मार डाला ना उस दिन, उनके प्यार को हाँ कह दिया होता तो इतने दिन तक हम अनाथों की तरह नहीं रहे होते। इन सब की वजह मेरे पापा नहीं थे, तुम लोग थे। क्योंकि तुम लोगों को प्यार का मतलब ही नहीं पता है। मेरे घर पे रहकर देखो प्यार का मतलब क्या होता है, प्यार किसे कहते हैं। मेरे पापा जब थक कर घर आते तो मेरी माँ मेरे पापा के पैर दबाकर सुलाती थी। पैर दबाते हुए माँ भी वैसे ही सो जाया करती थी, तो मेरे पापा उठकर मेरी माँ के पैर दबाते दबाते सो जाते थे। इसे कहते हैं प्यार। पैसा, घर बार या खूब कहने खरीदना ही प्यार नहीं होता है। उनके दिल में क्या है वो जानकर उन्हें देना होता है प्यार। बेवकूफ हो तुम लोग क्या जानते हो प्यार के बारे में? बचपन के दोस्त, तब से प्यार था, पति पत्नी भी बन गए थे, लेकिन इतने दिनों तक अलग अलग जीकर हर पल हम नरक भोग रहे हैं। पता है क्यों?
इन दो परिवारों को मिलाने के लिए। अभी भी लक्ष्मी आपके घर में है तो उसकी वजह मेरे पापा है। कसम ले ली थी उन्होंने, आप सभी के यहाँ कहने के बाद ही मैं इस घर में दामाद बनकर जाऊंगा, ऐसी कसम ली थी उन्होंने। घर आए दुश्मन से भी इज्जत देकर बात की जाती है। मेरे पापा आपके घर के दामाद ही तो है, कुत्ते की तरह उन्हें पीट कर मार ही डाला ना। देवता जैसे मेरे पापा को मार डाला, मेरे पापा मर गए, मेरे पापा मर गए, मर गए पापा, पापा। आओ रमन। कैसे हैं आप? लक्ष्मी कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सो रही है। ओ, लक्ष्मी, 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 क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्यों लेटी हो? चलो मेरे साथ। पर कहाँ? एक बार कहने से समझ में नहीं आता क्या? छोड़ो। कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपने घर। शादी से पहले? सगाई तो हो गई है ना, आधी शादी हो गई समझो, इसलिए लेकर जा रहा हूँ। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? तो आप क्या चाहते हैं, वीर भानु यहाँ आकर मेरी होने वाली पत्नी से मिलता रहे? आप बताओ इस घर में कौन कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, सब पता है मुझे। अब और कुछ नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी की सुहाग रात हो जाए उससे पहले मैं शादी करूं। मैं उस वीर भानु की तरह डरपोक और सीधा इंसान नहीं हूँ, मैं बंद बोतल के एसिड के जैसा हूँ। मेरे ओरिजिनल कैरेक्टर को मत ललकारो। क्या बकवास है ये? चलो बे। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। अब तक ये आपके दो परिवारों के बीच की समस्या थी और अब ये दो गांवों के बीच की समस्या बन गई है। जल्दबाजी में हो या अनजाने में, वीर भानु ने उस गांव की लड़की से शादी कर ली। कुछ भी हो, शादी शादी होती है। हमारे गांव की बहू को कोई लेकर जाएगा तो हम खड़े होकर देखेंगे क्या? पूरे गांव के लोग जाएंगे और वापस लाएंगे। समस्या मेरी है, समाधान भी मैं ही ढूंढूंगा। वीर, राम जी ने भी सीता जी को वापस लाने के लिए वानर सेना का सहारा लिया था। बेटा, चाहे जो भी हो जाए, अपने पापा से किया हुआ वादा पूरा करना। सारा गांव एक साथ आया है, चंदे के लिए आया या धंधे के लिए आया? सुनिए राजनाथ जी, आपकी हमारी हजार समस्या होगी, लेकिन न्याय नाम की भी कोई चीज होती है। भले ही जाने अनजाने में सही, हमारे वीर भानु ने लक्ष्मी को मंगलसूत्र पहनाया। पहनाया पहनाया कह रहे हो? उसने मंगलसूत्र पहना, तूने देखा क्या? तूने तूने किसी ने नहीं देखा। देखे बिना किसी और की बात सुनकर भेड़ बकरियों की तरह चले आए, लेकिन मैंने अपने परिवार की उपस्थिति में लक्ष्मी के परिवार की सहमति से सगाई की है। तो अब तुम बोलो, न्याय किसका है और अन्याय किसका है? इन दोनों ने शादी की है या नहीं, लक्ष्मी से पूछोगे तो पता चल जाएगा ना। कौन बकवास कर रहा है ये? यहाँ लड़की की इच्छा नहीं देखी जाती, संप्रदाय और इज्जत देखी जाती है। सुनिए राजनाथ जी, उस समय भी मंदिर की बात पर आपकी इज्जत देखी गई थी। इतने सालों से सीता और राम नहीं मिल पा रहे, इस बात का दुख हमें भी है। अपनी दुष्टता का इस्तेमाल करके भगवान से बहुत खेल लिए आप। अब हमारे लोगों की जिंदगी से खेलने की कोशिश करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम आपका यह अन्याय नहीं सहेंगे, हम भी जवाब देंगे। आप सब लोग एक साथ कह रहे हैं कि वीर भानु के लिए आप कुछ भी करेंगे। चलिए, आपके कहने पर मैं लक्ष्मी को वीर भानु के साथ भेज देता हूँ, लेकिन क्या उसके बदले में आपके गांव के श्री राम हमें देंगे? रमन, अब से 10 मिनट पहले तुम सभी से इज्जत से बात करके मैं अपनी पत्नी को ले जाने आया था। दोगलेबाजी में तो तू अपने बाप से भी आगे निकल गया रे। मुझे दोगली बात करना नहीं आता, सीधी बात करना जानता हूं मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ तुम्हारे गांव की सीता माता को भी ले जाऊंगा, कौन सामने आएगा देखता हूं मैं। अगर तू ये सोच रहा है कि तू जो मन में आएगा बोलता रहेगा और हम खड़े होकर चुपचाप सुनते रहेंगे, तो एक बात कान खोलकर सुन ले, जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। तो बुला ले अपने आदमियों को, देखते हैं कौन मर्द है। अरे हम लोग बात कर रहे ना, तू झगड़े में क्यों पड़ रहा है? अरे हम संभाल लेंगे, तू पीछे चल, रहने दे उसको। तुम लोग भी बोले और हम लोग भी बोले,
तुम में जितना गुस्सा है उतना गुस्सा हम में भी है, लेकिन तरीका ये नहीं है। एक चीज के ऊपर जब दो लोगों की इच्छा आ जाती है तो जो ज्यादा बोली लगाता है वो उसकी हो जाती है। लेकिन लक्ष्मी कोई चीज तो है नहीं, वो तो इंसान है। अब उसे किसी एक का होना है तो कुछ फैसला तो करना ही होगा कि आखिर उसे किसके पास जाना है। क्या कहते हो वीर बाबू? मैं अपनी लक्ष्मी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे मरने मारने की बात क्या कर रहे हो, बस मेरे इस लड़के से साइकिल रेस में जीत जाओ। अब इसमें तो कोई दोहरी बात नहीं है, अगर तुम जीत गए तो लक्ष्मी के साथ हमारे गांव की सीता माता को भी ले जाना, लेकिन अगर तुम हार गए तो लक्ष्मी भी यहीं रहेगी और अपने गांव के राम जी भी हमें ही दे देना, मतलब होल सेल में पूरा मंदिर हमारे गांव का हो जाएगा। क्या बोलते हो? अगर सारा गाँव एक साथ खड़ा हो तो बैंड बजा सकते हैं, इसीलिए जिस तरफ हम वीक हो हमें उस तरफ नहीं झुकना चाहिए, जिधर पावरफुल हो उधर जाना चाहिए। इस प्रतियोगिता के लिए मैं तैयार हूँ। हे वीर भानु, क्या बात कर रहे हो तुम? पूरा गांव तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम भगवान से खिलवाड़ कर रहे हो। इस झगड़े की तरह अब तुम्हारा हमसे कोई नाता नहीं है। चलो रे। चलो, रुक जाइए। भगवान के लिए रुक जाइए, जरा शांति से सोचिए। आप लोग जो फैसला करेंगे उससे सिर्फ वीर भानु की ही नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। उसे आप लोग एक मौका दीजिए, लक्ष्मी को ही नहीं गाँव की सीता माता को भी आपके गांव लेकर आएगा। आपके पैर पड़ता हूँ। साहब, आखिर वीर भानु है तो हमारा ही बच्चा ना, लेकिन इस शर्त में जरा भी इधर उधर हुआ तो हम अपने राम जी से भी हाथ ना धो बैठे, यही सोच रहे थे। जो भी हो वो राम जी हैं, सब कुछ उन पर छोड़कर हम ये शर्त मान लेते हैं। हाँ जी, अगर आप लोगों को भरोसा है तो वीर भानु जरूर जीते। क्या बात है, अचानक दामाद के प्रति बहुत गहरा प्रेम जाग उठा है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अगली 15 तारीख को साइकिल रेस होगी, तैयारी कर लेना। ए, उसे काम समझने की भूल मत करना, हमें अपना प्लान खुद बनाना होगा। हेलो, सारे रेफरी थोड़ा रिस्पॉन्ड करो। जाओ बेटी। डरो मत बेटा, आ जाओ। चलो बेटी, आ जाओ। पापा, ये सब क्या है जी? इस प्रतियोगिता के कुछ रूल्स हैं। आप दोनों को यहाँ से शुरू करके बड़ी पहाड़ी से होकर पार्वतीपुरम, जगन्नाथपुरम, वेंकटपुरम से होते हुए दोबारा यहीं आना है। हर गांव में एक चेक पोस्ट पर इस प्रतियोगिता से जुड़ा एक रेफरी होगा। हर चेक पोस्ट पर आप दोनों को कंपलसरी साइन करने होंगे। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें वॉकी टॉकी पर मिलती रहेगी। ठीक वैसे ही आप लोगों को कुछ कहना हो तो माइक के द्वारा आप कह सकेंगे। अगर रास्ते में कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आप किसी की सहायता नहीं ले सकते। अगर आपने सहायता ले ली तो उस प्रतियोगी को प्रतियोगिता से हटाकर दूसरे को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। राम मंदिर चेक पोस्ट, रमन पहले आ चुका, दोनों आगे बढ़ गए। वीर भानु रमन से आगे निकलने के लिए तेजी से साइकिल चला रहे हैं, लेकिन पहले से चैंपियन रहे रमन आगे चल रहे हैं। अरे सिर्फ चैंपियन नहीं है, नेशनल चैंपियन है, घंटे का चैंपियन है। हेलो,
रमन आगे चल रहा है। जगन्नाथपुरम के चेक पोस्ट पर भी रमन आगे निकल चुके हैं। पार्वतीपुरम चेक पोस्ट पर भी रमन आगे निकल चुके हैं। देकर जीतने की कोशिश करता है, कितना बड़ा नामर्द है तू। छोड़ना मत इसे, लक्ष्मी मेरी है, लक्ष्मी मेरी है। साइकिल चैंपियन प्रतियोगी रमन वेंकटपुरम चेकपोस्ट से आगे निकल रहे हैं और हमारे दूसरे प्रतियोगी वीर भानु भी वेंकटपुरम चेकपोस्ट से बहुत ही तेजी से आगे निकल रहे हैं। वेंकटपुरम चेक पोस्ट पर वीर भानु आगे चल रहे हैं। वीर भानु साइकिल से नीचे गिर गए हैं, उन्हें सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है। वीर भानु के सिर पर चोट लगी है, बहुत ज्यादा चोट आई है उन्हें। वीर भानु में किसी तरह की हलचल नहीं है, अगर जल्दी कोई फैसला कर लें तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। वीर भानु वहाँ अपनी मौत से लड़ रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए अब इस प्रतियोगिता में बचे प्रतियोगी रमन को विजेता घोषित करना होगा। भानु उठो, भानु भानु उठो, भानु भानु, अगर तुम नहीं उठे तो मैं मर जाऊंगी। भानु उठो, भानु उठो, भानु।
भानु, जल्दी आओ। मांगल्य धारण मुहूर्त मुहूर्त अस्त।